Hey, बाइक को धक्का मालेंगे, 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 लेकिन हमारी किस्मत को धक्का कौन देगा, कौन देगा, कौन देगा? लेगिस्तान के बीतों बीत, बीतों बीत, बीतों बीत, मेरी हवा निकल गई, ताय ताय फीत, ताय ताय फीत, ताय ताय फीत, कोई खिला दो गलमा गलम फीत, आ भूत लग गई. ये तो मिली तलब वाली है. अबे मेरे को पप्पी कर लेगी तो अंदर की चमड़ी गिरी रख. बाइक खराब हो गई है. मैकेनिक तो लगती नहीं है, हाथ भी गोले. होल्ड दिस. इतके हाथ लगाते ही ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी. पकड़ो. अरे वाह, मेरे को गिफ्ट दिया ले. मत है. या इट्स डन, लेट मी चेक. ओके. ग्लासेस. तेरे नसीब में सेकंड हैंड ही है. ऐसा सेकंड हैंड तो लोच चाहिए. हम लोग उसके पीछे डालेंगे, वो हमारे आगे डाली है. ले ले ओवरटेक कर. जाने दे, पीछे से देखने में मजा आ रहा है. क्या लगता है? मुझे लगता है कि एयर स्टेशन उधर उधर होना चाहिए और टट्टी किसी पे ना गिरे. हाँ. इसलिए बाथरूम hey का पाइप थोड़ा सा. हाँ? तुम लोग मुझे फॉलो कर रहे हो? एक्सक्यूज मी, इस रोड से हमारा डेली का अप डाउन है. हाँ, हमारी बाइक खराब हो गई तो आज पात मैकेनिक तो चाहिए ना. हाँ? नहीं नहीं, मैकेनिक नहीं, तुम मॉडल हो, पित्तल की हीरोइन. वैसे तुम लोग को जाना कहाँ है? अरे हम लोग सड़क पे क्यों बात कर रहे हैं, कहीं पे होटल में जाते हैं ना, मस्त सोएंगे. नहीं नहीं मतलब खाएंगे पियेंगे ऐद करेंगे और क्या. ऑलराइट, लड़की हंसी दुर्घटना घटी, बैठ कर बात करते हैं. हुआ? Any problem? मैडम जी, ये जो लड़का है ना, इसके दिमाग का भोथा भला हुआ है. हर बात में अपना मुंह घुसेलता रहता है. पहले मैं मस्त वाली जिंदगी दिला था, इतने मुझे तलीपाल करके रिफ्यूजी बना दिया. अच्छा? मेरी जिंदगी धंद बन गई. तुम इसे ऐसा टॉर्चर क्यों करते हो? इसका जो ससुर जी है ना, उसने इसका जिंदगी बेसुला बना दिया है. इसका ससुर इसके साथ खेलता है, ये गोतू मेरे साथ खेलता है. बहुत क्रूअल पर्सन है क्या? वो इस प्लेनेट का है ही नहीं, मंगल की तलब देखो. हे, कौन है, ये क्या हो रहा है? आपके लिए सरप्राइज है पापा. ओके ओके, हैप्पी बर्थडे पापा. थैंक यू सो मच बेटा. लेट मी सी दिस. अरे इसकी क्या जरूरत थी, मेरे पास पहले से एक है. ये पुराना हो गया है, अच्छा नहीं लगता. मेरे पापा की हर चीज बेस्ट होनी चाहिए. तुम जैसी क्यूट बेटी का बाप बेस्ट ही होगा ना. मेरे हैप्पी बर्थडे में से ये हैप्पी खत्म करने आ गया. हैप्पी बर्थडे अंकल. वो चॉकलेट किसके लिए है? अब आपको तो चॉकलेट बांटने की आदत नहीं है, इसलिए मैं खुद ही लेके आ गया. यू वांट इट? नो? ओके. चॉकलेट की जगह गाजर लेके आना चाहिए था. डस्टिंग नहीं की है क्या? बैठने से पहले परमिशन लेनी चाहिए. पहले मुझसे पूछो. ओके, तशरीफ रखूं? ऑल द बेस्ट. डोंट वरी डार्लिंग. ब्रेड खाओगे क्या? मुझे कोई बीमारी नहीं है अंकल. मतलब जनरली ये ब्रेड पेशेंट्स को दिए जाते हैं सरकारी अस्पतालों में. राजा, मुझे कुछ ऐसा सजेस्ट करो कि तुमसे छुटकारा मिल जाए. प्रिया की शादी मुझसे करवा दीजिए अंकल, फिर ना तो आपको मुझसे प्रॉब्लम होगी और ना ही मुझे आपसे. देखो, तुम यहाँ मुझसे चौथी बार मिलने आ रहे हो, लेकिन सुधरे नहीं. फर्स्ट टाइम ड्रेसिंग सेंस पर कमेंट किया था तो कपड़े जला दिए. सेकेंड टाइम लॉन्ग हेयर स्टाइल से प्रॉब्लम थी तो वो भी कटवा लिए. थर्ड टाइम पंक्चुअलिटी के बारे में आपने बोला था तो देखिए मैं टाइम पर भी आ गया. तो मैं तेरी आरती उतारूं क्या? तुम में ऐसा क्या स्पेशल है कि मेरे अभी आए ना पॉइंट पे अंकल.
प्रिया को मैं बहुत चाहता हूँ अंकल, और प्रिया भी मुझसे बहुत प्यार करती है। प्रिया मेरी हो जाएगी तो मेरी दुनिया ही बदल जाएगी, और ये बात प्रिया से ज्यादा कोई समझ भी नहीं सकता। प्रिया के जितना कोई मुझ पर भरोसा भी नहीं करता। तुम पर और भरोसा? हाँ, तो प्रिया तुमको बहुत पसंद करती है। और प्रिया के बिना तुम जी नहीं सकते। प्रिया जितना भरोसा तुम पर करती है उतना कोई नहीं करता। प्रिया अगर तुम्हारी हो गई तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन प्रिया की लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। ये ससुर लोग दामाद को बेटा क्यों नहीं मानते? तुम्हें पता है इसे क्या कहते हैं? नहीं, आप बताइए ना अंकल। श्योर? श्योर? आप ब्रेड ठूस लीजिए ना आराम से, मैं इंतजार करता हूँ। खूबसूरत बेटी होने की इतनी अकड़? इसे स्वार्थ कहते हैं, और प्यार में स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती। और तुम्हारा ये प्यार सिर्फ बचपना है, बचपना। और तुम्हारे पास पेशेंस भी नहीं है, इसे एटीट्यूड कहते हैं। जिसके पास ऐसा गंदा एटीट्यूड हो उसे मैं अपनी बेटी नहीं दे सकता। ए, बैठ जाओ। चरा करेगा। तुम्हारी फैमिली के साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। तुम्हारे फादर और मेरी पसंद एक ही थी, हम चड्डी बड्डी थे। इतना गहरा रिश्ता? इतना अटूट रिश्ता बताने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में एक बार सॉरी बोलने का ख्याल नहीं आया? अब बस हुआ। देखा, इसे ईगो कहते हैं। इतने सड़े हुए ईगो वाले के हाथ में अपनी बेटी का हाथ तो नहीं दूंगा। तो क्या बोला डैडी ने? उनको मेरे उठने से प्रॉब्लम, बैठने से प्रॉब्लम, चलने से प्रॉब्लम। कह रहे थे तुम्हें स्वार्थ है, ईगो है, एटीट्यूड है। इतना नेगेटिव सोचेंगे तो शादी कैसे होगी? जंगल का शेर और लड़की का बाप खुद को हमेशा राजा ही समझते हैं। हमारी शादी तो होगी, वो भी खुशी खुशी। वो कैसे? तुम्हें पापा से अच्छे से बात करनी चाहिए, उन्हें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। हाँ, मैं उनके पैर पर गिरूं और उनसे सॉरी कहूं। मेरे माँ बाप ने भी मुझे पैदा करके कोई उम्मीद नहीं रखी, तो तुम्हारे पापा को इतनी उम्मीदें क्यों हैं? पर उन्हें हैं उम्मीदें। क्या तुमने मुझे लड़ने के लिए बुलाया है क्या? क्या ये आपका ऑर्डर यही था सर? तुमसे यही ऑर्डर मांगा था क्या सर? लेकिन आपने ऑर्डर तो, तुम्हें क्या लगता मुझे याद नहीं मैंने क्या ऑर्डर किया था? भैया, मैडम, वो मुझे दे दो, इसे यहाँ रख दो। मैडम, मुझे यही ऑर्डर करना था। थैंक यू मैडम। तुम्हारी इसी बात पर तो मैं तुम पर फिदा हूँ। सो स्वीट, ऐसी लड़की के लिए कुछ भी करना राइट है। सुना क्या कह रही है? लड़की तो स्वीट है मैडम, लेकिन ये ढीला है। ये काली है। आपको पता नहीं है इसको क्या क्या प्रॉब्लम है? बीमार है ये, शीघ्र पतन है, स्वप्न दोष है, बवासील है, पाइल्स है। अरे बस करना यार। अब पता चला ये कैसा आदमी है? मैडम, कबूतर क्या देख लियो, उधर देखो। ओके। पापा, ये इस साल तो छठी में चला ही जाएगा। ए, ये इस साल तो क्या, अब कभी भी छठी में नहीं जाएगा। ए, कितने दिनों तक तो पापा की डांट सहन करेगा? चक दे पट्टे, छठी में जाके दिखा दे। छठी का दूध तू ही पी, मैं आठवीं क्लास में हूँ। महिला पड़ो गया। ए, पहले खाना तो अच्छे से खा ले, फोन कहीं भागा नहीं जा रहा, बाद में देख लेना, और जाते समय बिजली का बिल जमा कर देना। कोई जरूरत नहीं है, बिल पेमेंट मैं ऑनलाइन कर दूंगा। इतने जिम्मेदार होते तो बात ही क्या थी। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मॉम, दरवाजे पे कोई बाई आई है, बुला रही है आपको। मैं क्या तुझे बाई दिखती हूँ? आंटी बोल। माँ, तुम्हारी आंटी बुला रही है। तेरी गर्लफ्रेंड से भी यंग हूँ। चीयर्स दोस्तों, चीयर्स। अरे लुक दा भाई, एक ही तीली बत्ती है, ठीक से जलाना। अबे जला लूंगा यार। जला के लाख कर दे। ये अग्निदेव और वायुदेव का 36 का आंकड़ा क्यों है? अबे अब दोनों के बीच में मैं क्या कर सकता हूँ? सिगरेट जलाने के लिए ऑप्शन में दूसरी तीली भी नहीं है, और प्रिया के सिवा लाइफ में कोई दूसरा प्रिया भी नहीं है। पित्तल देखने जाते हो तो बीच में मुकेत आता है ना। वैसे फ्लॉप प्याल की बात मत सुना, प्रिया को भगा कर ला, हम तेली थादी करवा देंगे। हाँ, हाँ, सही तो है, उठा ले। अरे यार, लेकिन वो प्रिया अपनी बाप की मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करेगी, लेकिन उसका बाप ही माँ बाप है। तो आगे क्या करेगा भाई तू? आगे पहले तो इसे पीऊंगा, और कल उसके बाप के ऊपर उल्टी करूंगा। तुम अपना काम करो, पहले वॉचमैन रहे होंगे ये। क्या है? गुड मॉर्निंग सर, मैं यूरो केयर कंपनी से आया हूँ। अबे ऐसे क्या खड़ा है, हाथ को सांप की तरह लपेट, मैनर्स होने चाहिए यार। सर, मैं एक यूरो केयर कंपनी से आया हूँ सर, मैं एक नया वैक्यूम क्लीनर लाया हूँ, मैं आपको डेमो दिखाना चाहता हूँ। पकड़ने में हेल्प करता हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए। अरे नहीं पकड़ूंगा तो लोग सोचेंगे इसमें ईगो है, जबकि मैं तो दिल का साफ हूँ। बताइए ये बैग में कहाँ रखूँ? कोई जरूरत नहीं है भाई, तुम जाओ।
ओके सर, थैंक यू। देखा, उसे एक बार कहा और वो यहाँ से चला गया। मार्केटिंग में सेल्स टेक्निक और रिलेशन में स्टैंड रहने की टेक्निक जिसके पास नहीं होती है ना, वो ऐसे ही हार मान लेते हैं अंकल। हाँ हाँ, अंदर आ जाओ। देखिए, मैं पूरा डाउन टू अर्थ हो गया अंकल। हाँ, जमीन पे जो। आपको लगता होगा कि मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं एकदम नेचुरल एक्टर हूँ, और मेरी जमीन पर बैठने की एक्टिंग से थोड़ा तो भांप लिया होगा आपने। अब जमीन छोड़ो और सोफा पकड़ो। माय प्लेजर। मेरे कहने पे तो तुमने बदलाव कर लिए, लेकिन कभी खुद रियलाइज करा कि तुम में क्या कमी है, कि तुम्हारे अंदर वीकनेसेस क्या क्या है? वीकनेस? वीकनेस की बात कर रहा हूँ तो तुम कथकली क्यों कर रहे हो? जवाब पेट से निकल कर मुंह पे आने ही वाला है अंकल। देखो, खुद की कमजोरी पता होनी जरूरी है, तभी फ्यूचर बन सकता है। वैसे तुम्हारी एक चीज मुझे पसंद है, वो है तुम्हारी जिद। चाहे कितनी बार भी तुम्हें जलील कर दूं, तुम मुंह उठा के फिर चले आते हो। तो आप सोच रहे होंगे कि इतने जिद्दी लड़के से जब आपकी बेटी की शादी हो जाएगी तो आपको आपका दामाद कौन से लेवल पर रखने वाला है? मुझे जिद्दी लड़के पसंद है, लेकिन तुम जरा भी पसंद नहीं। फिर से रिवर्स गियर। बेटा, जिद्दी लड़के को मैं नौकरी पे तो रख सकता हूँ, लेकिन दामाद बनाना? मैं तुम्हें काम बताऊंगा, अगर तुमने उसे कर लिया तो मंगलसूत्र तैयार रखूं? बेटा, पहले काम तो पूरा कर। एक मिनट भी बर्बाद किए बिना आप काम बताइए अंकल, चुटकी बजाते ही आपका काम हो जाएगा। पहले मेरी बात कान खोल के सुन। तो सुनाइए ना। तुम मुझे एक बाइक लाकर दोगे? टॉम क्रूज का मैं डाई हार्ट फैन हूँ। डायमंड वाला वही हिसाब पिटा पुराना सीन है, जिसके लिए 11 मुल्कों की पुलिस आपका पीछा कर रही है। अगर वो बाइक मैं आप तक पहुंचा दूं, तो आपकी बेटी मेरी बीवी बनेगी। आप दुनिया के लिए भले ही प्रिया के फादर हैं, लेकिन काली दुनिया के लिए आप गॉड फादर हैं। यही वजह है कि तुम जैसे को अपनाने में मुझे काफी डर लगता है। मेरे फादर पिछले 20 साल से कोमा में है। बीस साल कोमा में रहने के बाद ये एक मिरेकल ही है कि कोई नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर दे। ऐसा हजारों केसेस में से कोई एक होता है, क्योंकि ऐसे केसेस में दिक्कत ये है कि बहुत सालों के बाद अगर कोई कोमा से बाहर आता है तो उसमें से 60% लोग या तो फिर से कोमा में चले जाते हैं या फिर वो जिंदगी में सर्वाइव नहीं कर पाते। स्पेशली उनके लिए ऐसी हालत काफी क्रिटिकल साबित होती है। सो हमें अभी करना ये होगा कि आपके पिताजी को कोमा में जाने से पहले जिस चीज से ज्यादा लगाव था, अगर वही उनके सामने आ जाए तो उनकी हालत जल्दी रिकवर हो सकती है। ऐसे में आपको ये सोचना होगा कि उन्हें किससे ज्यादा लगाव था, जिस चीज को हम उनके आसपास लाकर उनकी फिजिकल कंडीशन को स्टेबल कर सकते हैं। अब आप जितनी जल्दी हो सके उस चीज को उनके पास लेकर आइए, जिससे वो जल्दी ठीक हो सके। मतलब एक बाइक किसी की जिंदगी बचा सकती है? ये तो उस पे डिपेंड करता है कि उसे बाइक से कितना लगाव है। हम कोशिश कर सकते हैं, क्या पता मिरेकल हो जाए। मेरे फादर की जिंदगी में मेरी माँ और बाइक एक साथ आई थी, लेकिन मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मेरे फादर उस बाइक में मेरी माँ को देखा करते थे। वो इस बात का बहुत ध्यान रखते थे कि बाइक में कहीं कोई खरोंच ना आ जाए या बाइक का कोई पार्ट खराब ना हो। उन्हें बाइक में जिंदगी दिखती थी, वो उस बाइक के दीवाने थे। शाम तक ये राजा आपकी राजदूत लेकर जरूर लौटेगा। आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू। मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड तो है, लेकिन मैं मानता नहीं हूँ अंकल। बुढ़े पे असर तो हो रहा है। मेरे फादर के हम तीन बेटे थे, मैं, मेरा छोटा भाई और मेरा बड़ा भाई। अंकल, मुद्दे की बात बताओ ना, फैमिली का लफड़ा सुन के मैं क्या करूंगा? गया मेरा एक पॉइंट। मेरे बड़े भाई बचपन में ही गुजर गए। मेरे फादर मेरे छोटे भाई से बहुत प्यार करते थे। उसने लव मैरिज की जो मेरे फादर को पसंद नहीं आई। मेरे भाई की वाइफ के आने के बाद हमारे सुखी संसार को किसी की नजर लग गई थी। मेरे फादर इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो कोमा में चले गए। मेरे भाई की वाइफ का कहना था कि जो आदमी कोमा में चला गया है उसके वापस लौटने के चांसेस कम है, तो संपत्ति का बंटवारा कर लिया जाए। लेकिन मैंने सारी संपत्ति छोड़ दी और अपने फादर के इलाज के लिए उन्हें शहर ले आया, पर उनकी बाइक वहीं छूट गई और वो लोग अभी भी वहीं गांव में ही हैं। 20 साल हो गए, लेकिन आज तक मेरे भाई ने ना तो मेरा हाल पूछा ना मेरे फादर का। राजा, प्रिया की सिंपति पाने के लिए तुम उसे ये बात बिल्कुल मत कहना। किसी की कमजोरी का फायदा नहीं उठाता। हार्डकोर हूं मैं। हार्ड डंप।
मालिक का बोले राजा बाबू? कहा कि अगर दखल अंदाजी करोगे तो पगार में लॉकडाउन। बकवास छोड़ो राजा, पापा ने क्या कहा वो बताओ। मुझसे एक चैलेंज किया है जिसे वो हारने वाले हैं। बाप के आंसू पोछने के लिए तैयार रहो। तेले सचुल को दामाद नहीं बकला मिल गया हलाल करने के लिए। अरे शादी में लड़की वाले बाइक देते हैं, लेकिन वो तो तेले से मांग रहा है। वो मेरी मर्दानगी का सबूत मांग रहे हैं, और जब राजदूत आएगी तो राजा की रानी भी आएगी। अले तेले थतुल को लाददूत क्यों चाहिए? अबे उसको नहीं, उसका भी एक बाप है। उसके बाप को यमदूत चाहिए, लाददूत नहीं। चल बात करते हैं। हाँ चल। ये क्या वीडियो देख रहा है? अले ओ बाइक दिखाओ, बाइक राजदूत। हाँ भाई यमदूत। भाई स्टॉक में राजदूत पड़ी है क्या? बंगार चीजें नहीं रखता मैं। ठीक है, पुरानी बाइक और कहाँ कहाँ मिलती है? जाके खुद ही देख लेना। ओहो, चिकन डिनर मिस हो गई। पबजी निकलो जी। तलाश पूरी हो गई, डन कर लेते हैं। अले ये लाददूत थोड़ी है। ए, तेरे जैसे काले आशिक फोटो फिल्टर लगाकर गोरे बन जाते हैं ना, उसी तरह हम इस बाइक का भी हुलिया बदल देंगे। अले अपने ससुर के साथ पंगा ले रहा है। आया नंगा जाएगा नंगा, तो बीच में ले लेते हैं ना पंगा। असली बाजीगर तो वही होता है जो 1% पे भी 100% की बाजी मारे। वो कैसे? आई विल शो इट टुमारो। I am waiting. अंकल, कोई मर्द अगर जुबान दे तो उसे पूरा भी करता है, चाहे उसकी बाल की खाल क्यों ना उड़ जाए। Hey, not you, man. You go. ससुर जी, अपनी बेटी को तैयार कीजिए, आपका दामाद आपकी बेटी को ले जाने के लिए आया है। अरे कहाँ गए? हे प्रिया, कहाँ है अंकल? दुल्हन का जोड़ा पहन रही है क्या? भाई कहाँ है? ये रही आपके पिता का प्राण। अब अचानक इमोशनल होकर रोने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें ये बाइक लाने को कहा था। मुझे लगता है कि आपकी आंखों से खुशियों के आंसू निकल रहे हैं अंकल। आंसू पोछिए, जरा अच्छे से देखिए। पहले जरा इस पर से ये तामझाम हटाओ तो। अब मौसी की उम्र भी हो गई है ना, और इस पर से ये झिलमिल सितारों का आंचल हटाओ जरा। मैंने तुम्हें ये बाइक लाने को कहा था। जब तुम किसी की जिंदगी की कीमत ही नहीं समझते हो तो प्यार को क्या खाक समझोगे? अंकल, बाइक की फोटो शेयर कीजिए। महीने का पेमेंट का रोलिंग नहीं चलेगा, एक महीने में पैसा चाहिए। अरे ओ चंदन, थोड़ा घिसके चाइला देता हूँ। माटी दे क्या भाई? मैं नो स्मोक करूँ। अरे जिगल में बली आ गए। ए छोटू, माचिस दे उधर। नो स्मोकिंग। तू कुछ दिखाने वाला था ना भाई, कि दले ससुर का लाफा खाया ना? ससुर है इसलिए जाने दिया। तेला वीडियो वायरल हो गया है। अच्छा हुआ तूने जिम ज्वाइन किया, वरना एक लाफे में तेला जबला खुल जाता। ठीक है, टेंशन मत ले।
दूसरा थप्पल खाने से पहले बाइक ला कर दे। अब तो राजा राजदूत के साथ ही लौटेगा। अले खाली पिल्ली बोल बच्चन नहीं मालने का, अमिताभ बच्चन की तरह मर्द बन के दिखाने का। अब तू जले पे नमक छिड़केगा। ठीक है तुम मुझसे बात मत करना, उसको दूं जो मलम लगाए। ए, चूहा कभी गणेश जी को ना बोल पाया है क्या? चूहा नहीं डायनासोर हूँ। अबे तेरा जितना भाव नहीं है उससे ज्यादा तू भाव खा रहा है। अरे छोड़ना, तेरी वजह से मैं ना खल का हूँ ना घात का। उसके लिए इतना तो चलता है यार। कुछ नहीं चलता है, अब छोड़ चलना यार। किधर जाने का? राजदूत को ढूंढ डाला तो अपना लाइफ महंगा लाला बिड़ो, और मेरी राइड का राइडर तू ही है। क्या यार तू भी, आई डोंट हैव मच टाइम यार। अबे तेरे पास ना गाड़ी है ना बंगला है, खाली काम है, लेकिन दोस्त सिर्फ एक ही है। हाँ एक ही है, कमीना दोस्त। दोस्त के नाम पे शक्ति कपूर। लीटर भल गया है, खाली करना पड़ेगा। और मैं तुझे यहीं छोड़ दूं तो वही पानी पी के जिंदा रहना पड़ेगा। अरे पहले बोलना चाहिए था ना, बाटली में भर लेता तब नीचे गिला दिया। इतना किलोमीटर भागता तो मैं ओलंपिक जीत जाता। ओ बुजुर्ग मंडली, यहाँ मिस्टर राव का घर कौन सा है? तुम? अरे राव जी। राव साहब का घर नहीं जानते तुम? तुम बिल्कुल अपने दादा पर गए हो। ये बुद्धा लोग भी ना बुद्धे तो हो जाते हैं लेकिन सतिया जाते हैं। माँ कथम। एक्चुअली तू क्या बोलने वाला है? मैं बीमार आदमी हूँ, मुझे स्वप्न दोष है, शीघ्र पतन होता है। अपने ससुर जी को मर्द होने का प्रूफ देने के लिए मैं एक राजदूत ढूंढ रहा हूँ। कोई फायदा नहीं है, ये जो भी पूछ ले ना उसका जवाब मैं दूंगा। फिर क्या होगा, इनको गलत फैमिली नहीं होगी, ये तुझे अपनी फैमिली का थम देंगे। ये उन्हीं का गोता है। जी हाँ, मेरे दादा है। ये तोतला तुम्हारा नौकर है? इसकी शक्ल पे ही लिखा है। तूने हाँ बोला है? नहीं यार, ऐसे क्यों कहूंगा? राजोल श्याम। ओहो, चोली दामन का साथ है। बुद्धे को माल डालूं क्या? अरे वाह रामचंद्र, राव का पोता आया है। ए, बुड्ढे से एड्रेस पूछना, अपने को देर हो रही है। भाई शादी मुझे नहीं करनी है, तू पूछ। टाइम पास मंडली, रविंद्र जी का एड्रेस बताइए, उनसे मिलना है। ये रविंद्र परमिंदर क्या लगा रखा है, काका नहीं कह सकते? कोने वाला घर है, उनका ख्याल रखना चाहिए। जब से तुम्हारे दादाजी बीमार हुए तब से काका की हालत खराब हो गई। आई गॉट इट, लगता है उसके ससुर ने भी कुछ मांगा होगा। चल भाई, तुम लोग बात करते रहो, तब तक मल ना जाओ। भाई एक बात बताऊं, इधर से राजदूत मैं चला के जाऊंगा। कौन चलाएगा, कौन धक्का देगा, वो बाइक देख के पता चलेगा। तुम पैसा देने के लिए कब तक इंतजार करवाओगे? उसको पैसा दिए हुए एक साल हो गए, लेकिन अब तक तुम्हारा साला मेरा पैसा नहीं दे रहा है। ना तो वो ब्याज देता है ना मुद्दल देता है, हर समय कल कल कहता रहता है। वो कल कब आएगा, इस जन्म में कि अगले जन्म में? कोई टाइम पर पैसा देता है तो वापस भी टाइम पर करना चाहिए। गलत टाइम पर आ गए, घर में गृह युद्ध चालू है। हम पंचायत बैठाएंगे, इस बात का ख्याल रखना। फिर बाद में अपनी इज्जत का रोना मत रोना। मैं कब तक ऐसे पैसों के लिए आता रहूंगा? अगली बार जब आएंगे तो बिना पैसे लिए नहीं जाएंगे। इंग्लिश गाने में ललकी मत तो होती है, लेकिन क्या गाती है समझ में नहीं आता है ना। तू भोजपुरी गाने सुना कर। भाई भोजपुरी में तो और भी ज्यादा मत होती है। तलेगा तलेगा। तुम पैसा नहीं दोगे तो तुम पर केस कर दूंगा, समझो ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है, इसके बाद हम बोलेंगे आप नहीं। अगर हो गया है तो आप लोग जाइए, घर में बहुत काम पड़े हैं। लाज शर्म तो सब बेच के खा गए, और नहीं तो क्या। हम इन्हें कुछ भी कहते इन्हें शर्म आती नहीं। सही कह रहे हो। चलो कुछ और दिन इंतजार करके देखता हूँ, उसके बाद हम लोग मुखिया के पास जाएंगे। थोड़ी मोहलत और दे देते हैं। लोन लेकर मशीन लेने की क्या जरूरत थी, जैसे आपके हाथ की साड़ी पहनने के लिए औरतें मरी जा रही हैं। क्या बात है बाबू, क्या चाहिए आपको? इनसे भी कर्ज लिया होगा, चुका दीजिए। पता नहीं किस किस से पैसे लिए। मैं राव जी। क्या तुम मेरे भतीजे हो? मेरे भाई ने तुम्हें भेजा है। एक मिनट। अंदर से तलवार लेके आएंगे। पिछले 20 सालों से दोनों ने बात नहीं की। ओहो, फिर तो तेरे लिए फूल लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट। ये तो स्टूल लेकर आए। बेटा आओ, बेटा रहने दीजिए, हम यहाँ किसी जरूरी काम से आए हैं। सुना है इस गांव में एक राजदूत बाइक है।
अच्छा तुम्हारे बाप ने ये देखने के लिए भेजा कि हमने वो बाइक हजम कर लिया नहीं? अगर BMW होती तो पता नहीं। मैं बताती हूँ बाइक कहाँ है, गिरवी रखी थी, बैंक वाले ले गए। राजदूत बाइक? अरे भाई होली खेलना है तो पिचकाली उदा, ये क्या उदाल है? इससे पहले कि ये बोतल तेरे सर पे फोड़ दूं, मुंह बंद कर अपना। उसके बाद क्या किया? राजदूत गिरवी क्यों रखी? घर के साथ तेरे चाचा को भी गिरवी रखते तब भी लोन पूरा नहीं होता, वो तो सिर्फ बाइक लेकर गए हैं। आप लोगों ने इतनी आसानी से डिसाइड कैसे कर लिया? गिरवी रखने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? अरे खुद को गिरवी रखना चाहिए था ना, राजदूत क्यों रखी? नहीं ऐसे ही बोला थोलिया। अच्छा कहाँ मिलेगी बाइक? आप लोग क्या समझेंगे, किसी चीज की अहमियत पता होती तो आप लोग ये करते ही नहीं। अब चल वरना तुझे भी भंगार में बेच देंगे। चल जिंदगी भंगार ना बन जाए, संभालो यालो। अब क्या छोटला है? गिरवी रखने के लिए इन लोगों को राजदूत ही मिली थी क्या? गरीब होने की वजह ये खुद ही होते हैं। अब राजदूत नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे? हा? तेरे ससुर को बोल दे कि राजदूत नेपाल के राजा ने खरीद लिया। बुढ़े के बाल सफेद ऐसे ही नहीं हुए हैं, बहुत इंटेलिजेंट है वो। हाँ तो मेरे भी बाल सफेद हो गए। अगर तू अपने ससुर को दहेज में बाइक नहीं दे पाया तो कभी सोचा है क्या होगा? खड़े खड़े डर क्या पैदा कर रहा है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मार रिवर्स गियर। वही तो बोला, सोचोगे नहीं तो बचोगे कैसे, दिमाग लगाना पलता है। आजा आजा पंकज उदास बैठे हैं, ले बात कर। अच्छा बता सकते हैं कि वो बाइक कहाँ गिरवी रखी है? क्यों तू पैसा देकर छुड़ाएगा क्या? आप पता बता दीजिए, मैं जाकर छुड़ा लूंगा। आसपास के गांव में तो कोई तेरे चाचा को पैसा देने को तैयार नहीं था, इसलिए महादेवपुर में गिरवी रखी। महादेवपुर? ये कहां पर है? ये यहां से करीब 100 किलोमीटर दूर खमन के पास है। भोले चल भाई, 100 किलोमीटर दूर जाना है, पहुंचते पहुंचते सल के बाल भी सफेद हो जाएंगे। चल भाई। बेटा तुम इतने सालों में पहली बार आए हो, तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम्हारा चाचा कैसा है। क्या करूं पूछ के, मुझे ऐसा फॉर्मेलिटी पसंद नहीं है, मैं जा रहा हूं। ये मत कहो जा रहा हूं, कहो कि वापस आऊंगा। क्या रखा है यहां आने के लिए, सब कुछ तो बेच डाला। क्या हो गया? पेट्रोल खत्म हो गया, चलो 11 नंबर से। जिंदगी धंध हो गई। ले पहुंच गया पेट्रोल पंप। उसका तेल का पाइप इतना लंबा है क्या? चल धक्का दे भाई, तेला नाम ही ला जाए, खुद को लाजा मत समझ। जोर से ये क्या, ये तो ऐसे लोल है जैसे इसकी पलोसन मायके भाग गई। क्या हुआ होगा? अबे उसकी औरत 3 महीने से प्रेग्नेंट है, तू चल। अगर तब थोड़ा सोच लेता तो आज ऐसा नहीं होता। ए भाई 1000 का डाल। ए भाई धूल जाके लो ना, तुम्हारे आंसू ज्यादा आले, पेट्रोल कम। कुछ पैसे हैं क्या तेरे पास? तेली वजह से नौक ली गई, कितनी है बेच दो क्या? बिना पैसे के निकला कैसे? कार्ड एक्सेप्ट होगा भाई? आधार कार्ड नहीं भाई, क्रेडिट कार्ड। यहाँ आसपास में कोई ATM है क्या? लेकिन कार्ड में भी पैसा नहीं होगा तो इसकी तो चल ठीक है, अब तू ही बता करना क्या है? ये मेला प्रॉब्लम नहीं है, तू ही निपट ले भाई। पैसे नहीं है तो तल 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 तल। अच्छा भाई वैसे तो मैं खाली रोती हुई लड़कियों के आंसू पोंछता हूँ, लेकिन मेरी प्यासी बाइक को जो तुमने पानी पिलाया इसलिए दया खा के पूछ रहा हूँ, ऐसे रो क्यों रहे हो? सुबह से एक भी कमीने ने ये तक नहीं पूछा कि मैं क्यों रो रहा हूँ। वायलेंस लगेगा, अरे इतना क्या चिपकला है, लगता है ये मीठा है। सर आप तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है। ए धीले फ्री में पेट्रोल क्यों दे दिया, इतना था क्या देखा? अरे बात क्या है वो तो बताना। एक लड़की ने मुझे धोखा दिया है भाई। लड़कियां तो होती है धोखा देने के लिए। मेरी वाली एकदम अलग थी भाई। मैं उससे 4 साल तक सच्चा प्यार किया, पेट्रोल कितना भी महंगा हो जाए मैं उसका फ्री में रिफिल करता था। आज जब मैंने उससे प्यार का इजहार किया तो उसने मेरा काट दिया रिश्ता। भाई आप लोग मेरे सच्चे प्यार पे हंस रहे हो ना? अरे भाई किसी की मुस्कुराहट के लिए अगर हमें जोखिम उठाना पड़े तो उसमें गलत क्या है? क्यों भाई
इसमें क्या फायदा, जख्मी तो मेरा होगा ना। चल ठीक है मान लेते हैं, अगर उसने तेरे जख्म पर दवा लगा दी तो क्या होगा पता है? चल घाव ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर उसी का बाप उसी घाव पे पांव देने के लिए आ जाएगा, फिर क्या होगा? फिर वही बाप चर्म रोग विशेषज्ञ बन करेगा, ऐसी दवाई बताएगा जो ढूंढने के लिए तुझे देश विदेश भटकना पड़ेगा। देख भाई टंकियां बहुत मिलेंगी, बस पाइप लेके खड़ा रहे। इतके साथ रोज होता है, तुझे पता है बचपन से इतने कितनी थाली टंकियां भली है, तेली तो तेल की दुकान है। समझ गया भाई, जब शादीशुदा लोग गम भूल के खुशी से जी सकते हैं, मैं तो आवारा कहूँ अब नहीं रहूंगा। ये तो सारी टंकी तोल देगा। चल बैठ। ठीक है चल भाई, मैं तेरा कर्जा चुका दूंगा। पैसा तो हाथ का मैल होता है। वाह क्या बात बोलिए, बाल एक ऑटो खिलाए उसके पीछे लिख देना। ठीक है अब चलते हैं भाई। हाँ चल। मैंने तो बस इस बाइक में पेट्रोल भरा है, लेकिन आपने मेरे बॉडी के कोने कोने में बिजली कड़का दी। ये नहीं मिली तो दूसरी मिलेगी, दूसरी नहीं मिली तो तीसरी मिलेगी, वरना भाभी जिंदाबाद। जाइए जाइए मुझे ढूंढने दीजिए। एक बात बोलनी है। हाँ बोलिए। कुत्ती में इतना तेल भला, फिर भी थोथा इसके पाले में नहीं थोता। प्याल कलो तेल भलो। चल भाई चल यार। सुसाइड। अरे रुक रुक रुक, क्या है भाई? वाले से पूछते हैं। अरे भाई लुको लुको लुको, यहाँ कोई सेठ सुंदर लाल लेता है क्या? उसका फल पता है क्या? तुम लोग को वहाँ एक बिजली का पोल दिख रहा है? बिजली का पोल? अरे जहाँ दो नारियल के पेड़ है। नारियल का पेड़? अरे पान के दुकान के बगल में। अरे कहाँ है पान की दुकान? पानी की दुकान। वो काली साड़ी वाली लड़की भी नहीं दिख रही क्या? आँख खुल गई। चलते वहाँ से दाएं मार के चौथा लेफ्ट तीसरा घर। थैंक यू काका। लफंगे कहीं के। ले चौथा लेफ्ट तीसरा घर। तो फिर काली साड़ी वाली लड़की कहाँ है? लोगों क्या काम है? अरे ऐसे ही पूछा, किसी की बेटी होगी, फिकर तो होगी ना यार। अपने ससुर की बेटी के बारे में सोच। अब उसके आगे बोलिए। मन थारे को कितना देना है? माँ कसम 20,000 देना है। मारे पास तो 10,000 ही है, ते चाहो तो। वो टीवी ले जाओ। इस घर का सारा सामान तो आपने गिरवी रख दिया है, अब खुद को मत गिरवी रख दीजिएगा। ठीक से तो अगला हफ्ता। ठीक है अगले हफ्ते आऊंगा तो आपकी बेटी को लेकर जाऊंगा। ये आज के जमाने में 512 MB रैम वाला पीस यहाँ क्या कर रहा है? सर यहाँ सेठ सुंदरलाल कौन है? एक मिनट। इतके कुछ बोलने से पहले हम लोग बोल लेते हैं, चलो। सर यहाँ। अरे रुको पहले मेरी बात पूरी होने दो, मैं यहाँ कल से आके बैठा हुआ हूँ। आज बात कल नहीं है तो कल से आके क्यों बैठा? अबे इसने कोई सवाल किया होगा तो जवाब के इंतजार में बैठा है, तू चुपचाप रहना। सर आप सुंदरलाल सेठ हो ना? हाँ तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। किससे? अरे वही तो बोला कि आपसे बात करनी है सर। इंतजार करो। इंतजार? एक मिनट बेटा, तू देख है ना कि मैं बात कर रही हूँ। वाह खत्म। सुन भाई रजनीकांत की स्लो मोशन फाइट इससे इंस्पायर्ड है। मुंह बंद कर चुपचाप बैठा रहे। ये क्या नोट हो जाएगा क्या? ऐसे नोट गिनेगा तो नोटबंदी हो जाएगी। ले मुझे देने के लिए निकाल ले। तेरे सपने में भी इतने अच्छे दिन नहीं आएंगे। चुप। मच्छर भी स्लो मोशन में नहीं मरना चाहता है सर, आप जल्दी जल्दी नोट गिनिए ना। अरे अभी पहला नोट हुआ है यार। हेलो मिस्टर। अरे क्या कर रहे हो यार, इतना स्लो गिन रहे हो। करम फूटे मेरे। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। दो निकाल लेना। ये लीजिए पूरे 10,000 है, अगर और कुछ देर रहोगे तो आपकी पत्नी विधवा हो जाएगी। मटेरियल अपेल कर लेना। हाँ सर, आज से 10 साल पहले बोलो। ओह नो।
बोल बोल बोल। मुझसे बोला नहीं जा रहा है यार। तुझे बोलना पड़ेगा ना भाई, बोल। बोलो। मुझे मार डाल, मुझे मार डाल, मुझे मार डाल यार। बेटा। सर, आज से 10 साल पहले यहाँ पर कोई रविंद्र आया। जी, खाना तैयार है। माँ कहता हूँ, ये खाएगा तो चबाएगा कितनी देर? अबे तू आग में घी क्यों डाल रहा है यार? चुप बैठना। मन्ना से बात करनी है। ठीक है। तुम जाओ, मैं बाद में खा लूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सिद्धि विनायक जलूल जाना। चल 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 चल, बात कर, बात कर। सर, आज से ठीक 10 साल पे। अब बोलो। माँ कहता हूँ। बोलो। अगले साल आता हूँ। मजा यार। बात कर ले। ए, अरे। नहीं नहीं। सर, ठीक 10 साल पहले यहाँ पर रविंद्र नाम के एक आदमी ने आपके पास एक बाइक गिरवी रखी थी। मैं उसी बाइक के बारे में पूछने आया हूँ। वो तो आज कल। मैं आऊं। काम हो गया क्या? पूरे पिक्चर सुना दिए यार। जो भी सुनाया पूरी कहानी मत बता भाई, पॉइंट टू पॉइंट सुनाना। दो लाइन में सुन। पूरे 3 साल तक उसने पैसों के लिए इंतजार किया, पैसे नहीं मिले तो उसने बाइक बेच दी। बाइक बेच दी? तेरे से बड़ा झटका तो मुझे लगा था। और जिस किसी ने बाइक खरीदी ना, उसने भी अभी तक सिर्फ आधे पैसे दिए हैं और आधे बाकी हैं। बाइक किसने खरीदी भाई? उसने कहा कि वो शिवाजी नगर में रहता है, वहां पे जाके बाइक ले लो। पता भी हो, दिखता कहता है। ये तो पॉइंट है यार। इसीलिए तेला ससुल तुझे लाफा मारता है। चल अभी। अरे बाप रे। जोल से टॉयलेट आएगी तो भी ये ऐसे ही जाएगा क्या? हेलो, व्हाट यू डूइंग मैन? वॉकिंग। कछुए की चाल। अच्छा सुनो, आज सुबह जो आपसे पैसे लेकर गया ना, वो कौन था बताओ? मारो दामाद। आपका क्या? अरे ढीले काका, आपकी प्रॉब्लम हम लोग थमक गए। पहली बात, आपकी बेटी के साथ शादी कल के वो बेटी तो ले गया, लेकिन दहेज मांगने भी आता है और बाइक वाले ने 10,000 का तूना लगाया। ए ढीले काका, आप अगर हमारी टीम में आ जाएंगे तो हम आपके हातिम ताई बन जाएंगे। आपकी हमारी थप की प्रॉब्लम सॉल्व। जब मेरे डायलॉग तू मार रहा है तो फिर मैं क्यों खड़ा हूँ? भाई तू बोल ले भाई। देखो सेठ जी, हमें उस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कैसा दिखता है। गाड़ी से लखो फूंक कर आए हो क्या? अब वो कैसा दिखता है वो हमको तो पता है नहीं। आप पहचान जाएंगे लेकिन हम तो नहीं पहचान पाएंगे ना, तो आपको हमारे साथ चलना होगा। कल। कल क्या? सुबह में क्या सुबह? आपा चाल श्याम। क्यों, अभी क्या हो गया? अरे मौत की सुन, बातों बातों में रात हो गई। थोड़ी देर में सुबह हो गए। क्या हो रहा है? जाओ। भगवान आपकी स्पीड बढ़ाए। हेलो। हेलो राजा, कहाँ हो तुम? पापा ने तुम्हें कहाँ भेज दिया है? तुम्हारे पापा ने मुझे काशी जाने के लिए बोला, फिर वहाँ जाकर अपना सर मुंडवाने के लिए कहा और कहा कि वापस आते समय काशी विश्वनाथ का प्रसाद लेके आओ। क्या राजा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सेम टू सेम सिचुएशन यहाँ भी है। वैसे तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे बाल पकने से पहले मैं आ ही जाऊंगा। ओके राजा, ठीक है, बाय। We'll be right back.
समेटा। हाँ तो गलती से आप ब्रश भी करेंगे क्या? स्नान भी। और उसके बाद? उसके बाद और फिर तब तक हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? नहाने के बाद। अरे खोखले हो चुके दांतों को छोड़ो, हाथी के दांत इतने कीमती होते हैं वो भी इतना टेंशन नहीं लेता है, हमारे पास टाइम नहीं है। चलो कोई नियम थोड़ी ये भैंसे, चलो जाके बाइक स्टार्ट कर। चल मुझे नहाने जाना है। क्या करना है, नहाने के बाद भी बदबू मारेगा? बदबू तो मारेगा ना, तूने मेरी जिंदगी कचला पेटी कर दी है। चल गाड़ी दी में चला भाई। अले भाई आधी रात को मंदिर में क्यों लाया? मंदिर की सीढ़ियां धोने के लिए। क्या बोल रहा है? तुझे सोने के लिए 5-स्टार होटल चाहिए क्या? यहीं पर सोना है, चल सो जा। अरे हाँ? वो तो अभी तक वहीं खड़ा है, उसके यहाँ तक आते आते कल सुबह हो जाएगी यार। ये प्लास्टिक का खिलौना है, चाबी घुमाएंगे तो ही चलता है। चलो काका चलो, ब्लैक मालो अभी उतान। हाँ अभी डाल गाड़ी पार्क कर दो। हाँ आँखों का पलटा जल्दी बंद कर लो, थो दाओ। माँ खत्म। चलो गुड नाइट। अरे अरे भैया इधर ही सो जाते हैं, हट रहे। अरे क्यों उठाया? एंजेलिना जोली चोली पहनने ही वाली थी। चोर इधर आया है, यहाँ पर। अरे ये रहा चोर, इसके तो शकल पे लिखा है। मैं कोई टोल नहीं हूँ। माना कि इसकी शक्ल चोर जैसी है, लेकिन ये है मेरा दोस्त। दोस्त? ये चोर इसका दोस्त कैसे हो सकता? कुछ तो दाल में काला है। लगता है सबकी मिली भगत है। हाँ, कुछ भी हो जाए बच के जाना नहीं, पकड़ के रहेंगे। एक तो मेरा सुबह का कीमती सपना तोड़ दिया, ऊपर से बेटी की जगह सड़ी हुई शक्ल लेकर आ गए। चोर भाग के यहीं आया, हमने देखा उसे। छोड़ो ना सेठ, यही है। अरे इधर ही आया था। हाँ तुम्हारे बगल में जरूर यही कहीं होगा। सही चोर की ए भाई कौन है तू? इसके परम मित्र। ए भाई कौन है तू? इसके परम मित्र। अच्छा सुनो, इनके साथ इसने खरीदी थी। क्या इसने खरीदी थी? मैंने देखा था, तुम्हें यही आया था। कहाँ चला गया वो? ये मेरा दोस्त है, क्या दिक्कत है? कौन है ये लोग बंधु? ए नाटक मत कर, हमने अच्छी तरह से तुझे चोरी करते देखा है। ए पॉकेट दिखा, पॉकेट दिखा जल्दी से। दिखा जल्दी से अपना पॉकेट। दिखा ना ना, बकवास बंद। देखना है हमारा, हमारी भी चेक करो। दिखाते हैं, ये लो खाली है, लाओ पैसा। देखो लो, आई लो। अरे तुमने नहीं किया तो किसने किया? अगर तुम में से कोई चोर हुआ तो कह रहे तूने चेक किया? लुंगी के अंदर छुपाया, देखो तू शक्ल से चोर लगता है। मैं नहीं, मुझे चोर मत कहना, मैं हीरो हूँ। क्या नाम है तेरी पिक्चर का? फटा पोस्टर निकला, चोर है कि नहीं? भटियारी की शक्ल का हीरो बोलता है, मैं तो तुझे स्पॉट बॉय भी ना रखूं। बोलना मार्वल। हम लोग यहाँ पर कैसे आए हो? ए मनमन सिंह मुंह खोल। ओ अंधे, हम लोग बुलेट वाले, टोली बोली नहीं करते। वाला गाँव है, दादा के लिए मत दिखा। उल्लू समझाए, चारों एक ही बाइक से आ गए। आ सकते ऐसा है तो बैठ के दिखाओ ना। दिखाते हैं बुढ़ऊ। हाँ चलो चलो चलो, दिखाओ। चलते चलो काका, गाड़ी चला जल्दी, टंकी पे बैठते आगे सड़क। वो आदमी जो था तुम्हारा फुटेज मास्टर, महीना चल रहा है। वो तीनों तो बैठ गए, अब ये चौथा कैसे बैठेगा? अब जरा बैठ के दिखा, देखता हूँ। नलकी होता तो तुझे भी बिठा लेता। चल दिखा, दिखा हाथ था भाई। चल चल भाई, डायपर पहना ना, बैठ। अरे ये चारों लोग बैठ, दौड़ा चालू कर। वो समझ गया ना, चोर तुम में से ही कोई है। इधर उधर छुपा होगा दुदो। अरे जरा छुप के बैठना, तेरा सिर देख के बाइक चलाऊंगा। बच गया नहीं तो आज बच जाती। अरे ये बाइक है, विलाल लोकल नहीं है। ए चुप कर यार। ए चोर भाई, वो राजदूत कहाँ है यार? तेरे पास ही है ना? अरे जिस बाइक पर बैठे उससे छुटकारा दे, बाद में राजदूत के बारे में पूछना। मैं कितना प्रॉब्लम है वो पता है क्या तुझे? उससे बड़ा टॉयलेट का प्रॉब्लम है, भ्रष्टाचार का प्रॉब्लम है, और उसको देखो हिलने का प्रॉब्लम है। बैठ रहे बराबर। अच्छे
अरे ये चोर भाई कहाँ भाग रहे हैं? पता नहीं, चल उतल तो मैं उतलूंगा। ऊपर से खुल रहा है तो दरवाजा बंद करके क्या फायदा? खुली छत पसंद होगी उसको। चलो बच गए, इस रुपए को चुराने के लिए हमने कितना मेहनत किया है, अच्छा हुआ किसी चोर की इस पर नजर नहीं पड़ी। अच्छा चोर भाई, 7 साल पहले एक बाइक खरीदी थी, चोली कल के पैसा इधर रखा था, तो फिर वापस गांव क्यों गया? तुम्हारे सवाल में फ्लेवर है, हम बैग लेकर आए और हेलीपैड से घर में फेंके, उसके बाद कहा है कि घर बंद था, जेबा चेक किए तो चाबी नहीं निकला, हमारे चाबी गांव में था वही लेने गए थे, ससुरा फंस गए। अच्छा भैया। हाँ बहन। आपने 7 साल पहले बाइक खरीदी, तुम तो तोड़ने में एक्सपर्ट हो, कितनों का ताला तोड़ा होगा, फिर ये ताला क्यों नहीं तोड़ा? इस बार सवाल में तड़का भी आ गया, जैसे ही एक लड़की की टूट जाती है शादी, ऐसे ही खोल दिए ताला बिना चाबी। भैया चोर बनने के लिए बहुत चाटा खाना पड़ता है तब बनता है प्रोफेशनल चोर। अरे यही चोर एक दिन कोहिनूर का हीरा वापस लेके आएगा, देख लेना। हाँ बिल्कुल सही बोले। अच्छा 7 साल पहले आपने बाइक अलुप गोस्वामी बनाया क्या? फिल के एक ही घुसानी पड़ेगी, पतला और एथलीट होना चाहिए, तू तो बलून जैसा है, जितना फूला उतना फूलेगा। इतना हार्ड प्रोफेशन चुने हुए कितना टाइम हो गया महाशय? तुम्हारा क्वेश्चन घटिया है, तुम्हारे क्वेश्चन में दमालू है। यस। हाँ बताओ ना भैया। प्रोफेशनल करियर में हमको आके 14 साल हो गए। 14 साल? अच्छा उसमें से 7 साल घटा दो। आपने 7 साल पहले एक बाइक खरीदी थी, तो मुझे ये जानना है कि पगलेट क्या मतलब? पागल कुत्ता ने काटाएगा? ऐसा मैंने क्या कह दिया? सब तेरी गलती है, हम चोर है लेकिन ईमानदार है, कितना घटिया बात करता है। हुआ क्या? मैं बाइक खरीदू या बैल खरीदू, क्या उसका EMI भरने वाला है? और हम कुछ खरीदे हमारी एसोसिएशन के खिलाफ है, हम सिर्फ चोरी करते हैं। सॉरी। अरे का सारी इका गुप्ता इनका भैया है। ए दिले काका, दिमाग डोलाओ, बाइक किसको बेचा था? कौन है ये फिलिप कुमार? इतने तुमने बाइक खरीदा? भूल गया ना? अरे तो वह आदमी है, सच कह रहे हैं, हाथ सर पे रख, हम तो ही कसम खा के कह रहे हैं भैया, झूठ नहीं बोल रहे हैं पाई लगू। हम बाइक तुमसे ही खरीदे थे और इसमें हमारा अरे वही है, वही राजदूत बाइक भैया, हमें उसी की तलाश है, कहाँ है वो? अरे दोनों आसमान में कबूतर ढूंढ ले हो क्या? क्या बाइक था? क्यों क्या हुआ? बाइक था तो गया किधर? मतलब बहुत पनौती चीज थी। अरे आज तक हम ट्रक चुराए, ट्रेन चुराए, लेकिन उस दुपहिया की वजह से हम पहली बार जेल में गए। माँ कसम, ऐसा क्यों? अरे यह फिलिप कुमार, इसी ने हमको बाइक दिखा के लालच दिया था। मुझे नहीं नहीं, सुन रोक के रखो, कल ना शुरू करोगे तो बंद नहीं होगा, एक हफ्ते तक चलेगा। हाँ तो बोले, एक घटिया मार ले, बोले ना दिमाग खराब मत कर, तू बाइक के बारे में बता यार। बहुत लंबी कहानी है, एक दिन हम वेस्टर्न टॉयलेट चोरी करके जा रहे थे कि अरे उसका बैलेंस तो देखो, तो हम अपनी फटफटी से फटफट करते हुए गाना गाते हुए जा रहे थे कि हमको अचानक एक बुढ़ऊ दिखा, बुढ़ऊ के कमर में चेन देखकर हम बेचैन हो गए और सोचे कि वो चेन को हथिया ले, और जैसे हम हथियाने गए वो बुढ़ऊ हम पर गिर गया, और उसके बाद लोगों ने हमारा जो स्वागत किया है वो तो हम आपको बताएंगे ही नहीं, और पुलिस हमको लेकर सीधा ससुराल चली गई, और ये सब काहे हुआ? वो मोटरसाइकिल की वजह से, हमारे प्रोफेशनल करियर में अनप्रोफेशनल काम पहली बार हुआ जो हम उस बाइक से पकड़े गए, तब से बदले का गुबार हमारे दिल में उबाल खा रहा है, हम जानते हैं। अभी वो बाइक कहाँ मिलेगी? जाओ हंसते आओ रोते, क्योंकि पुलिस ने दिए तुम्हें गोते। कौन से पुलिस स्टेशन में? एक्सीडेंट तो हुआ था राजा भिखमंगे हाईवे पर, वो जगह कोतीपाली पुलिस स्टेशन में आता है, अकॉर्डिंग टू कोतीपाली पुलिस स्टेशन। एक्सीडेंट कहीं और हुआ ना, कोतीपाली में बाइक कैसे? अब ये पुलिस का लफड़ा। सुनो, मैं तुम्हें फ्री में लेके चलूं। रहने दो, टेढ़े दिल में जो सीधी बात है वो बताओ। सर हम हाथ जोड़ते हैं, झुकने की भी एक जगह होती है, मैं भगवान थोड़ी ना हूँ। देखिए हम बहुत ही प्रोफेशनल चोर हैं, ऐसे थोड़ी ना चलता है। अरे तुम लोगों ने हमारा हेल्प किया, उसके बदले में 100 का नोट है। भाई पैसे नहीं चाहिए, ये तो इनके हैं, पता नहीं है क्या उधारी चुकाते हैं। अभी हो गई तुम्हारी बाइक पूरी तरह से नील। हाँ नील बटा सन्नाटा। अरे सेठ जी कल सुबह छोड़ोगे क्या? ये मार्वल के पैसा नहीं लोगे, सूरत का है। सूरत का नहीं लेके तो सूरत जा। हाँ तो फिलिप कुमार चलिए, गिरिएगा नहीं है।
अभी ऐसा लग रहा है कि राजदूत तक राजा पहुंच ही जाएगा। अरे छोड़ ना भाई, जब तक राजदूत देखेंगे नहीं ऐसी देती होती रहेगी। थोली पहचान पाएगा, अंदर जाके पूछ देना। बताओ। अरे सर, अरे सर, अरे सर, मेरे को नहीं पता रे सर। सर, सीआई साहब का फोन। सर, मेरे को पता नहीं रे सर। हेलो। पता नहीं। थाने आ रहे हैं? अरे जल्दी कर, कॉर्पोरेटर आ रहे हैं। ए, उस नमक हराम ने मुंह खोला कि नहीं? नहीं अभी तक तो नहीं सर, मैं बुलवा लूंगा सर। ठीक है, ये डंडा मुझे दो। वो अंदर है सर। ये पीछे क्या कर रहा है? मार देगा मुंह क्या देख रहा है? जाके पकड़ उसे। और सुन ले, अगर वो कमीना भाग गया ना तो मैं थाने को जला दूंगा। मुझे हर हाल में मेरे बेटा चाहिए। क्या देख रहा है? जा। सर सर सर, मैं भी आपके साथ चलता हूँ सर। अरे भाई तुम क्या करोगे? सर आपको वो मुजरिम चाहिए लेकिन मुझे मेरा दोस्त चाहिए ना। वो गांव से बाहर। ठीक है चलो। ए, एक्सीलेटर घुमा। हाँ तो ला तो रहा हूँ भाई। ए, भाई तो मैं ला देगा इसको। सर गोली मत चलाइए, उसका चेहरा देखकर आपको लगता है क्या कि वो इतना खतरनाक हो सकता है? अबे किसी का चेहरा पढ़ सकते तो पुलिस को इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। लॉजिक ही नहीं है। कभी कभी लॉजिक की जगह मैजिक भी काम आता है भाई। हा? अभी तो तेले पे किडनैपिंग केस चालू है, मेरे को मालेगा तो तोतले का मर्डर केस लगेगा। चुपचाप चला नहीं तो गूंगा हो जाएगा। हाँ चला लाओ, ये बाइक है, प्लेन नहीं तो देगा। कोई है तो मैं डाल देगा इसको। सर जब धनी इंसान के घर में कुछ होता है तो सबसे पहले बलि का बकरा गरीब ही बनता है। अगर सही में उसने बच्चे का किडनैप किया होता तो वो वापस लौट कर छोड़िया था। अरे बाबा, मैंने कॉर्पोरेटर को समझाने की कोशिश की लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। हेलो। अरे मुझे टपकाओगे क्या सर? ओके सर। चलता रहे। तू आके चला, चला। सर सर नहीं सर, सर प्लीज सर, सर उसका भी कोई घर परिवार होगा। नहीं सर 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 नहीं। हाथ टूट गया। ये हाथ बहुत काम का है। अरे सर, पुलिस की नौकरी आपको ट्रेनिंग से मिली थी या कुछ? अरे मेरा निशाना टायर पर ही था रे। उसका बेटा मिल गया है। मिल गया? वो अपने चाचा के साथ शिला की जवानी फिल्म देखने गया था। अरे जब तुमने किडनैप नहीं किया तो सबको इतना दौड़ाने की और इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? आपने देखा ना मालिक, तो आपकी भी नहीं सुन रहे थे, तो हम छोटे मोटे ड्राइवर की क्या औकात है सर। लेकिन आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया कहना तो इसे कहो, अगर ये मुझे नहीं रोकता तो मैं सीधा खोपड़ी पे गोली चला देता। अरे क्या सर। स्वामी स्वामी स्वामी, शुक्रिया भाई। लेकिन तुम दोनों पुलिस स्टेशन क्यों आए थे? सर इस पुलिस स्टेशन में एक राजदूत बाइक को सीज किया गया था जो 6 साल पहले हाईवे पर एक एक्सीडेंट में मिली थी। अभी वो बाइक कहाँ मिल सकती है सर? 6 साल पहले जो बाइक सीज की गई थी वो अभी तक थोड़ी होगी, उसे तो कब का बेच दिया। स्वामी स्वामी स्वामी, माँ का भोपला। स्वामी स्वामी, थोली तल, आपने बाइक बेच दिया, मेरी जिंदगी झंड हो गई है। मुझे जेल के अंदर डाल दो, सजाए काला पानी दे दो। इसके मोबाइल में कल सुबह 7 बजे का अलार्म लगा दो, कल सुबह 7 बजे मुझे फांसी दे दो सर। मेरी कितनी निकाल के उसे भी बेच दो सर। हो गया ना? चलो बैठ जा, चल बैठ। सर वो बाइक किसने खरीदी होगी? रमैया सर।
छह साल पहले जो बाइक सीज की गई थी उसके बारे में कुछ याद है? मैं पूछ लेता हूँ ना सर, मैं पूछ लेता हूँ। एक बार छोड़ दो सर, मुझे जेल में डाल दो सर, कम से कम 2 साल की सजा दे दो सर। आठल लोल दादा दादा नासिक जेल, 3 दिन से टॉयलेट में वीडियो नहीं देखा। कौन सी बाइक है? राजदूत सर। 1980 का मॉडल है क्या? हाँ या या वही। आपको पता है कैसे? अच्छे से पता है। इस थाना के पहले एसआई थे ना, वो बाइक के बड़े शौकीन थे। उन्होंने उस बाइक की नीलामी का वेट किया, नीलामी होते ही खरीद लिए। तो अभी वो बाइक? जरूर बाइक उन्हीं के पास होगी। वो अभी भावेश नगर में रहते हैं। तुम लोग वहां पर जाओ, वहीं सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा है, बाथरूम भी अच्छा होगा, उसमें मिलल भी होगा। मैं काम करके आता हूँ। ठीक है। हाँ। कर ले। बजा बजा के हाथ दुखने लग गया। तू बजा। टैंग 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 क्या चाहिए सर? वो एक मिनट, आप जो वीडियो देख लेते थे मुझे भी देखना है, दिखाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो बाथरूम किधर है? जैसा ये मेरे लिए अजनबी, वैसे तुम भी तो मेरे लिए अजनबी हुए ना। तुम तो ऐसे करो जैसे मेरे चचेरे भाई हो। हाँ सर, मिस्टर विकास को मिलना है। हाँ, वो आपको बंगलो नंबर 98 में मिलेंगे। सॉरी भाई, लॉन्ग नंबर 86। अभी 86 है क्या? 98 तो लिखा है सर। क्या सर, 98 है ना ये तो। तुम लोग इतनी देर से मुझे परेशान कर रहे हो, कौन हो तुम? हम दोनों दोस्त है साल। समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा क्या करूं। मिला जो करना है बाद में कर लो, पहले इसका करना पड़ेगा। इसको जो चाहिए मिलता नहीं है साल। का बीच में ए, ए, कौन हो तुम साल? मेरा नाम नागमल ही है सर। जब आप ग्रांट लो जाएंगे ना उस चौक के पास, सबसे पहले यहाँ से ले जाओ। ग्रांट लो लिए भी जाता है, मैं लेके गया था। सर पता चला कि आपके पास एक बाइक है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ सर? बाइक? हाँ सर, लेकिन मैं तो कार चलाता हूँ। सर आपके पास जरूर एक बाइक रहेगी सर। हाँ थी तो सही। या बस वो बाइक दे दो, हम चले जाएंगे सर। वैसे हो कौन तुम लोग और मैं अपनी बाइक तुम्हें क्यों दूँ? सर उसी बाइक की तलाश में बहुत दूर से आए हैं, प्लीज सर। ठीक है, 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। सर 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 रुको, अंदर मत जाओ सर, ऐसे आप अंदर जाओगे तो बाहर नहीं आओगे सर, ऐसे नहीं, मत जाओ, मेरी जान ले लोगे क्या? 2 मिनट दे दीजिए प्लीज सर। वो आउट हाउस में जो भी ग्रांट रोल जाता है ना, बोलता है कि मैं रात को आता हूँ, लेकिन आता है सुबह। करना तुम दोनों इतनी सुबह सुबह आ गए। वैसे तुम दोनों को मेरी बाइक के बारे में कैसे पता चला? सर एक बार वो बाइक दिखा दीजिए प्लीज। प्लीज सर, सर प्लीज। ए भाई, हाँ मुबारक हो। थैंक्स यार, ले बाइक मिल गई। या आखिर राजा की राजदूत की तलाश पूरी हो ही गई। सुन भाई, पालती चाहिए है? अरे जलसा करेंगे। Okay, सब ठीक होगा, don't worry. ये तो वीडियो वाली जैसी ही दिखती है। बहुत दुख हो रहा है मेरे को। That's okay. अले जोल से दुख हो रहा है। That's fine. पीना चुपचाप। So, उसके बाद क्या हुआ? अले इतको ही पूछो ना, उसको ही तो मलाई लगा रही हो। मेरा फेफड़ा बाहर निकल गया क्या जब मैंने बाइक की हालत देखी। एक्सीडेंट होने की वजह से इसकी हालत इतनी गंदी कैसे? एक्चुअली मैं ओवर स्पीड चला रहा था तो इसलिए। सर उसकी हड्डी पसली अलग करना जरूरी था क्या? ये सब मैंने नहीं किया, वो तो एक्सीडेंट के बाद वो खुद ही चकनाचूर हो गई। नसीब अच्छी थी कि मैं बच गया। अरे अपनी काय को लाल कर रहे हो, बाइक के बारे में बताओ ना। वैसे भी उस बाइक में है क्या? वो तो पुरानी पीपीएस है। पीपीएस पीपीएस है, पीपीएस क्या होता है? सर आप वही एसआई होना जो कोटपाली पुलिस स्टेशन में पोस्टेड थे? हाँ। टोचन की हुई राजदूत आपने ही खरीदी थी ना? हाँ खरीदा था। तो मैं उसी राजदूत के बारे में बात कर रहा हूँ सर। तुम लोग गधे हो क्या? हैं? मैं क्या करता? बार बार बोल रहे थे बाइक दिखाओ दिखाओ,
एक बार भी तुम लोग ने राजदूत का नाम लिया? मेरा मुंह खुलने से पहले इसका गटर चालू हो जाता। और ऊपर से मैंने अपने अंडे भी जला दिए। मैं अपने अंडों से आमलेट बना दूंगा सर। राजदूत किधर है बताओ सर? इसका ससुर बिना राजदूत के यमदूत बन गया है। हाँ सर, प्लीज। मेरे डैड को राजदूत बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने बाइक की नीलामी तक इंतजार किया और वो मुझे मिल गई। सर, यहाँ तक की कहानी तो पता है, अब इसके आगे क्या हुआ बताइए ना। फिर मैंने वो राजदूत अपने डैड को गिफ्ट कर दी। अपने बाप को वो भंगाल बाइक देना था ना। सर, अपने पिताजी को फोन करके यहाँ पर बुला लीजिए ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है सर, प्लीज। ये इम्पॉसिबल है, डैड और मेरे बीच में बातचीत बंद है। क्यों? आपके प्यार के बीच में कांटा बन गए थे क्या? अरे सर ने सफेद चमड़ी पसंद की थी, उसका चाल चलन ढलन पिताजी को पसंद नहीं आया है ना सर, बोलो। सॉरी, कुछ भी बोल दिया, वो क्या है कि डबिंग कर लाऊ ना इसलिए। क्या तुम जानते भी हो कि मेरे डैड कौन है? राजन सेठ, लंबी दादी वाला डायनासोर। तुम्हारा ससुर तो असुल निकला, लाजन सेठ से तुम्हारा वध कराना चाहता है बाप ले। फिर उसके बाद क्या हुआ? आगे ये नहीं बता पाएगा, मैं बताता हूँ। उसके बाद हमारा बैड लक हमारा ग्रैंड वेलकम करने के लिए तैयार था, हमारी बाइक खराब हो गई। फिर तुम हमारी हेल्प करने के लिए देवी बनकर प्रकट हो गई, और उसके बाद जो हुआ वो तुम्हारी आंखों देखी है। वेरी इंटरेस्टिंग, बिल्कुल क्राइम स्टोरी की तरह। ड्राइवर पर शक करो तो माली का नाम आता है, माली पर शक करो तो लॉन्ड्री वाले पर, लॉन्ड्री वाले से पूछो तो बोलता है कपड़ा घर के बाहर रखा था। कितनी स्मार्ट है देख। अले कब से मैं वही तो बोल रहा हूँ भाई। अच्छा मैडम, इंडियंस का प्रॉब्लम क्या है पता है? वो कॉम्प्लेक्शन के चक्कर में फंस जाते हैं। लेट्स गो। अरे एनर्जी कम हो जाती है ना तो खाना पलता है। मीठा है मीठा। अबे अरे बाइक कहाँ है अपनी? भैया यहाँ पर बाइक थी, कहाँ चली गई? मती मारी गई है, बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या? अरे जब बाइक पार की थी तभी बोलना चाहिए था ना। बस बहुत हुआ, यहाँ पर मेरी लगी पड़ी है और तुम्हें हंसी आ रही है। तुम्हें क्या पता मैं अपनी बाइक से कितना प्यार करता हूँ। जब तुम्हारी बाइक गायब हो जाएगी ना तब तुम्हें यह दर्द समझ में आएगा। अबे एरिया में बाइक चोरी होना कॉमन है, तुम बाइकर्स हो, इतना कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए। यू मस्ट बी किडिंग। ये लंदन रिटर्न, इसकी बाइक का स्क्रू टाइट किया तो कुछ भी बोलने का। जिंदगी में पहली बार इतना इमोशनल हुआ है। अब क्या हो गया? अरे क्या हो गया मतलब, बाइक गायब हो गई है। But it's your fault. हम किसी के साथ डेट पर जाए तो उसके बच्चे का जिम्मेदारी हमारा थोड़ी है। यहाँ से कैसे निकलेंगे वो सोचना। थॉली, 2-3 years पुरानी बाइक से तुम इतना इमोशनली अटैच्ड हो गए, तो सर उस ओल्ड मैन के बारे में सोचो, वो कितने अटैच्ड होंगे। Do you understand? हाँ, पॉइंट है। Alright, राजा, मैं तुम्हें अपनी बाइक पर हाईवे तक छोड़ दूंगी, पर उसके बाद मुझे अपने रास्ते जाना होगा। राजा ने ही गायब कर दी होगी बाइक लड़की को आगे बिठाने के लिए, मर्द कुत्ता होता है। ठीक है चलो। अले भाई मिला क्या होगा? थैंक्स फॉर कमिंग भाई, तेरा रोल खत्म हो गया। अबे सोच क्या रहा है, ये बाइक है, बिहार की ट्रेन नहीं है, तीनों एक बाइक पर कैसे जाएंगे, समझा कर यार। फ्लैशबैक याद मत कर यार। और वैसे भी तू मेरा दोस्त है, घर पे आ खाना खा, लेकिन ये सब मामले में मत पड़ यार। अरे जिंदगी में कुछ करके दिखा, आत्मनिर्भर बन के दिखा। अच्छा मेरी छोड़, कम से कम प्रधानमंत्री जी की तो सुन। चल तेरे जाने का जुगाड़ करता हूँ, आजा। अरे आना। अले पैसा दे, मैं कैब कल के जाऊंगा, इधर बहुत गर्मी है, खाना बस 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 बाय। जिंदगी में ऐसा दोस्त दोबारा ना मिल जाए, संभाल लो यार लो। कैफेटेरिया तक हमारी लव स्टोरी हिट है, लेकिन उसमें उसका बाप फिट नहीं है। तो तुम आगे क्या करोगे? राजदूत तो मुझे चाहिए, प्रिया के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो फोन करके बुलाती है तो मैं 10 मिनट के अंदर हाजिर हो जाता हूँ। मैं खुद से ज्यादा उससे प्यार करता हूँ ना, उससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है और ना उसके बिना कोई खुशी का पल है।
वो तो मुझे बेशुमार प्यार करती है। अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई, तब भी वो मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। तुमने कहा तुम खुद से ज्यादा उससे प्यार करते हो। आई थिंक इट्स गुड, पर तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचना चाहिए कि तुम उसे अपनी जिंदगी में कैसे शामिल करोगे। जब तुम कई बार उसके घर गए तब भी उसके डैड ने तुम्हें कुछ नहीं कहा। इसका मतलब उस लड़की ने अपने डैड को तुम्हारे बारे में सब बताया। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम उसके डैड को कैसे मनाओगे। थिंक अबाउट इट, जिस तरह लड़कियां अपने फादर पर बिलीव करती हैं, उसी तरह वो चाहती हैं कि अपने हस्बैंड्स पर भी बिलीव कर सकें। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। बात तो तुम्हारी सही है, हम दोनों की फैमिली भी एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानती है, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। आफ्टर मैरिज जब उसके पेरेंट्स तुम्हारे घर आएंगे, तब अगर तुम उनसे अच्छे से बिहेव नहीं करोगे तो प्रिया को कैसा लगेगा। आई नो यू आर अ ट्रू लवर, पर तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो बाइक तुम्हें उसके डैड तक पहुँचानी होगी। Right then. मैं अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। जाने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। You're an awesome lover and you're handsome too. हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन राजदूत नहीं मिली तो तुम्हारे बारे में सोचना पड़ेगा। ऐसे बात मत करो, otherwise I'll fall in love with you. Listen, Raja, believe in yourself. यही सबसे ज्यादा जरूरी है और तुम कर सकते हो। अगर 1% भी चांस रहे, go for it. Come on, Raja, you're the king. तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, बाइक के स्क्रू के साथ साथ मेरा भी स्क्रू टाइट कर दिया तुमने। अब जब भी ढीला होगा तो तुम्हें याद कर दूंगा। ओके, फिर मिलेंगे। सी यू। बात है यार, ऐसा रंगीला बन के कहाँ चले जा रहे हो? मुझे आगे वाले गांव में जाना है। उस गांव में? तुम्हें तो लगता है वहां तक पैदल पहुंच पाओगे? कोई लिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं। समझ गया, किससे मिलने जाना है? अरे वो राजन नाम का कोई है। अच्छा। उनसे कुछ काम है मुझे। राजन सेठ मस्त आदमी है, सबकी दिक्कतों को दूर कर देता है। अच्छा, ये बात? अरे राजन सेठ को जानते नहीं क्या? हमारे गाँव का मुखिया है। लिफ्ट दे दोगे क्या? हमारे राजन जी किसी देवता से कम नहीं है, बताया क्या? वो एकदम मस्त मौला है। अच्छा। हमारे लिए उन्होंने अपने एक लौते बेटे को भी त्याग कर दिया है। सुना है कि वो एंग्री ओल्ड मैन है। ये सब किसने कहा तुम्हें? ये सब अफवाह है। अरे मैं उनका पड़ोसी हूँ, तुमसे ज्यादा मुझे पता है। छोटा छत्री गांव, ये तो सर पर से बाउंसर हो गया, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? उस गांव वाले की ही देन है, उस गांव वाले ने ये नाम रखा है और हर इंसान उन्हें छतरी माफिया कहता है। ये हमेशा अपने साथ छतरी रखते हैं। एक दिन हमारे गांव के एक लड़के ने उनके गांव की लड़की के पीछे बजा दी हॉर्न, तो छतरी माफिया ने उसे पेड़ से बांध दिया। क्या बांध दिए? अरे छतरी गैंग का कानून ही ऐसा है, वो अपने आप को यमदूत से कम नहीं समझते। जब राजन सेठ को पता चला तो वो सीधे उस गांव गए और उन्होंने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। जब उन्हें पता चला कि ये सब झूठ है तो उन्होंने छतरी माफिया के चमचों के हाथ काट। ये बात इतनी लाइटली कैसे बोल सकते हो? तो क्या हुआ? बस राजन सेठ का ये गुस्सा जो है ना, वो उनके बेटे को पसंद नहीं था, क्योंकि राजन सेठ हमेशा कानून अपने हाथ में ले लेते थे। वो बोलते थे लोगों को न्याय दिलाना है ना, पुलिस की क्या जरूरत है, वो मैं खुद कर लूंगा। इसी के चलते बाप बेटे की लड़ाई हो गई और वो घर छोड़कर चला गया। अच्छा, यहाँ तक तो मुझे क्लियर हो गया, लेकिन वो राजदूत बाइक। ए मामू, तू क्या उस बाइक के लिए आया है? अबे पहले बोलना चाहिए ना, जा सीढ़ियां चढ़। मंदिर की? जा। Oh,
बाइक के लिए मंदिर क्यों बनाया भाई? इतने सारे भक्त हैं तो मंदिर तो बनाना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन बाइक की पूजा कोई करता है क्या? इसके पीछे एक लंबी कहानी है। अरे यार, बहुत कहानियां सुन चुका हूँ, चलो तुम भी सुनो। बहुत साल पहले की बात है, एक बस में लगभग 100 आदमी सवार थे। अचानक बस का ब्रेक फेल हो गया। वो बस बहुत तेज गति से हाईवे के किनारे बसे गांव की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन ऐन वक्त पर एक राजदूत बाइक चट्टान की तरह उसके बीच में आ गई। उसने ना सिर्फ 100 सवारियों की जान बचाई, बल्कि हाईवे के किनारे बसे 200 लोगों को भी बचाया। और जो लोगों की जिंदगी बचाता है उसे ही तो भगवान कहते हैं। और तब से यहाँ के लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान बाइक का रूप धारण करके उन्हें बचाने आए थे। यही कारण है कि ये मंदिर बनाया गया। जिस तरह गेंडा मोटा हो जाए तो वो हाथी नहीं बन सकता, उसी तरह अगर बाइक किसी की जिंदगी बचा ले तो भगवान थोड़ी बन जाती है। भाड़ में गया इनका अंधविश्वास। स्टुपिड लोगों ने बाइक के लिए मंदिर भी बनवा दिया है। ऊपर से ये सजावट भी। क्या करूं, ये लोग तो मेरे ससुर से भी गए गुजरे हैं। अरे यार, ये खुल क्यों नहीं रहा है? करूं कैसे हासिल होगी ये बाइक? लोग मंदिर में भगवान से मदद मांगने आते हैं, मगर मुझे तो भगवान को ही उठाकर ले जाना है, तो फिर मैं किससे मदद मांगूं? दिमाग दौड़ ही नहीं रहा है। क्या है यार, रात को कौन सा भक्त आ गया? इतनी रात को मंदिर में आने की क्या जरूरत है? 4 बज गया है भाई। हाँ, अच्छा तो इतनी जल्दी मंदिर क्यों आ गए? हमारे राजन साहब के आने का टाइम हो गया पूजा करने के लिए। राजन साहब आने तो देखता हूं। बनावट बहुत बदल गई है, लेकिन उसका सिंबल कभी नहीं बदला। वैसा सिंबल तुम्हें किसी और बाइक पर कभी नजर नहीं आएगा। सर, सर, वो राजदूत मुझे चाहिए। सर, मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए कहां कहां नहीं भटका। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे कभी मिलोगी ही नहीं, इस तरह तुमसे बात करूंगा ये सोचा नहीं था। आखिरकार राजा को उसकी राजदूत मिल ही गई। सुबह सुबह 10 ट्रक भिजवा दिया है सर, बाकी के भी ऑर्डर्स हैं, शाम तक हो जाएगा। सर, मेरा नाम राजा है और मैं मुंबई से आया हूँ। आपके पास एक राजदूत बाइक है? मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ ये बाइक उसके दादा की है, और न जाने कितनी जगहों से घूम फिर के वो आपके पास आई है। अब जब तक राजदूत नहीं मिल जाती तब तक हम दोनों की शादी नहीं हो सकती, इसलिए मेरी मजबूरी समझकर वो राजदूत मुझे दे दीजिए ना। अगर आप चाहो तो मुंह खोल के पैसा मांग सकते हो। अरे
मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश के लड़के। कितना गिरा हुआ आदमी है तू, मुझे तो लगा था कि तू बाइक लेकर उड़ गया होगा। चला बूट उठ। तुम्हें लगा कि मैं गिर गया हूँ, धक्के मार कर निकला। इतनी हिम्मत, तू है कहाँ? राजन सेठ के गांव में। एक बार जाकर तू उनसे बात कर, वो यूं यूं चुटकी बजा के सब कुछ ठीक कर देंगे, समझा? ये उसी का किया धरा है। क्या? हाँ, राजन सेठ बिना मतलब किसी को धोते नहीं है। तूने पक्का कुछ उंगली किया होगा। हाँ, उनसे उनकी राजदूत मांग। क्या? हाँ। तू होता कौन है राजदूत मांगने वाला? अरे वो हमारी बाइक है यार। तेरी बाइक है? हाँ। तेरी बाइक कैसे हो सकती है? तुझे उस बाइक के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो जो नहीं पता था वो कल बोलना चाहिए था। मुझे तो लगा था तू मंदिर वाले बाइक के दर्शन करने आया है। उस बाइक के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। मेरी शक्ल बिगड़ने का इंतजार कर रहे थे। मुझे पहले क्यों नहीं पूछा? ठीक है बताओ। ठीक है, कान की दुकान खोल। ये उस दिन की बात है जब राजन सेठ के बेटे ने ये बाइक उन्हें गिफ्ट में दी। डैड, मैं चाहे आपको कितना भी समझा लूं, लेकिन आप बदलने वाले नहीं हैं। हालांकि हम दोनों लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारा तरीका अलग है। मेरा तरीका कभी आपको पसंद नहीं आएगा और ना ही आपका मुझे। पर मैं ये जानता हूं कि आपको राजदूत बाइक बहुत पसंद है। जब से आपने अपनी बाइक मंदिर में रख दी, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि एक ना एक दिन मैं आपको राजदूत ला कर दूंगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका प्यारा बेटा विकास। अपने बेटे के बिछड़ने के गम में राजन सेठ पूरी रात पीकर बाइक पर घूमते रहे और नशे में धुत होने की वजह से उन्होंने छोटा छतरी गांव के एक स्टैचू में अपनी बाइक ठोक दी। उसने हमारी गांव की इज्जत को ठोक दिया। चलो रे, चलो रे, मुझसे गलती होगी, माफ कर दो। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं नया स्टैचू बनवा दूंगा। अब बनवा कर क्या होगा? मेरे भाई की जमीन में गिरी हुई इज्जत वापस आ जाएगी, तुम्हें सजा मिलेगी। अरे कानम, मैं देख नहीं पाया, मैं नया बनवा दूंगा, ठीक है? एना चल बे, तुमने हमारी मूर्ति तोड़ी, हम तुम्हें तोड़ेंगे। ये तो क्या बोल रहा है? हम तुम्हारे बाइक को चक्करचूर कर देंगे। छतरी घुसा दूंगा। ये मुच्छर तो हमारी वाट लगाकर चला गया। क्या हुआ रे डॉक्टर? ज्यादा दर्द हो रहा है? बहुत ज्यादा। उसको हम छतरी के नीचे लाएंगे, चल। उसके बाद राजन सेठ के प्रति छतरी माफिया का घोटी माफिया ने अपने घुटने टेक दिए, पर उन्होंने तय किया कि जिस बाइक से उन्होंने स्टैच्यू गिराई थी उस बाइक की धज्जियां उड़ा देंगे। और राजन सेठ की दुखती नस है उनकी बेटी और वो बाइक। बस यही है राजन सेठ की कहानी। ओहो, मतलब राजन की बेटी को पटा लो तो दहेज में राज दूध भी मिल सकती है। मेरी बेटी को छोड़ने के बदले में क्या लोगे? बॉस, उस राजन की बेटी के साथ सेटिंग हो सकती है। बाइक मांगा, उसमें तेरे को धो डाला। धीरे बोलो यार, मेरी भी कुछ इज्जत है। अब अगर उसकी बेटी के बारे में बात करेगा ना तो तेरा गला काट देंगे। बस डरा सकते हो? अरे पटाने का कोई रास्ता बताओ यार। देख, राजन सेठ की बेटी कितनी क्यूट है ना। हाय हाय हाय। ओए, बहुत घूर लिया तूने से। मैं जानता हूँ तेरी नियत क्या है। तू जानता है वो कौन है? कौन है? ये ले पहले पकड़। अपी, तेरी होने वाली भाभी है। प्यार अंधा होता है भाई। हाँ, प्यार अंधा ही होता है। तो तुम्हें राजन से डर नहीं लगता? डरने का क्यों, उसे कुछ पता ही नहीं। अगर पता चला तो पता नहीं क्या करेगा। ध्यान रखना, कभी भी टिकट कट सकता है। पहल तो क्या सब कुछ अकल गया। बांग्लादेश आ गया क्या? मैं ओ दादा। हाँ। इंडिया इधर से कितना दूर? अरे इंडिया हा। ओ इंडिया है, मेला घल की दल। अरे हमके क्या पता? ओ मुझे पता है। अले सुनो दादा, आपके पास फोन होगा, एक फोन करना था। ए मिस कॉल मार दूंगा। ला अलकम दलकम दोम दला का लेतल फेतल। हाँ मम्मी, नागमल्ली बोल रहा हूँ। कौन है? बाद में बात करो, मैं नागिन सीरियल देख रही हूँ। अले नागिन मम्मी, मैं नागमल्ली तुम्हारा बेटा। कोई नागमणी बेटा नहीं है,
चलो फोन है, हेलो 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 हो गई फ्री के मिली था सौ को कॉल कर बा अरे रे भूत लगी है पैसा भी नहीं है आखे लदा ले हेलो आंखों से ही शादी कर लो आंखों से ही सुहागलात कर लो मैं पेट भरता हूँ ये खाली है बेबी तुम मुझे मिस कर रही हो ना क्यों अचानक क्यों पूछ रहे हो जब से तुमसे दूर हुआ हूँ खाने में स्वाद ही नहीं आ रहा क्या? है मैंने तो मास्क पहन के तुम्हें किस किया था प्याल भी वायलेस हो गया है चालो तरफ फैला हुआ है उधर जाके बैठता हूँ ये खाओ भाई तुम तो नमकीन बिस्किट खाते ही नहीं थे पर ये लड़की तो मीठी है ना बात में दम है अले तेला भाई कुछ तो खा ला है तू जहल खा के मल इधर कोई नहीं है तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका तुम्हारे रास्ते में गाड़ी मैं ही चलाऊंगा ये क्या पूछ लिए तू क्या बोल रहा है प्याल में तेल को डायबिटीज हो जाएगा जिधर देखो उधर एक तलफा प्याल अरे क्यों बगला गया अले आंखों थे नहीं खाते मुंह थे खाते सबकी भूख बदल गई है हे बोलो दो दिन में आने वाले थे ना कहाँ रह गए तुम अरे यही हूँ महादेवपुर जानती हो ना तो वहाँ से 500 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में बैठा हूँ वहाँ क्या करने गए हो तुम यू नो ऑफिस का काम कितना हेक्टिक होता है ओ गॉड राजा जस्ट शट अप अरे बाबा मैं सच कह रहा हूँ अब तुमको मुझ पर भरोसा भी नहीं रहा मेरी कसम खाओ फिर राजदूत बाइक के लिए आया हूँ क्या तुम्हारे दादाजी के पास जो राजदूत थी ना तो उसे ढूंढते हुए मैं 500 किलोमीटर दूर आ गया और वो राजदूत यहाँ के किसी राजन नाम के आदमी के पास है तुम्हारे पापा की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बताने के बाद भी वो बाइक नहीं दे रहा है बट तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ पापा आपने उसे वहाँ पर क्यों भेजा है वो भी एक बाइक के लिए पता है उसे ढूंढने के लिए वो कहाँ कहाँ भटक रहा है वो लोग डेंजरस है उसकी जान को खतरा हो सकता है वो भी मेरे दादाजी के लिए मुझे तो पता भी नहीं कि मेरे दादाजी जिंदा है वो तुम्हारे दादाजी नहीं है बेटा उसके दादाजी हैं। दरअसल उनके कोमा में जाने से पहले वो सबसे ज्यादा जिसे प्यार करते थे अगर वो उनके सामने फिर से आ जाए तो हो सकता है उनकी जान बच जाए तो अब क्या प्लान है तुम्हारा तुम्हें तुम्हारे बेटे राजा को उस बाइक को लाने के लिए बोलना चाहिए किसे जिम्मेदारी दे रहे हैं उसे तो इतना भी नहीं पता कि उसका भाई किस क्लास में पढ़ता है ऐसे में वो अपने दादाजी की इच्छा क्या पूरी करेगा मुझे पता है राजा की कमजोरी क्या है मैं अपनी तरफ से सारी कोशिशें करके हार चुका हूँ तो तुम्हें कैसे यकीन है कि वो बाइक लेकर आएगा राजा वो बाइक कैसे लेके आएगा ये भी मुझे पता है और वो उसे जरूर लेकर आएगा ये सब मुझ पे छोड़ दो मैं संभाल लूंगा स्टॉप स्ट्रेसिंग मैंने उसे जो भी कहा वो उसके दादाजी के लिए कहा सॉरी पापा मैं अपनी बेस्ट बेटी के लिए बेस्ट दामाद चाहूंगा और राजा वाकई बेस्ट है किसी भी तरह कल राजन को कन्विंस करना ही पड़ेगा फायदा नहीं मैं तुम्हें यह नहीं दूंगा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है राजा जाएगा तो राजदूत के साथ ही यहां से जिंदा लौटने के लिए भगवान से प्रार्थना करो भले ही मर जाऊं लेकिन राजदूत साथ लेकर ही जाऊंगा
जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो यह नामुमकिन है। आपसे झगड़ा करके तो मैं राजदूत हासिल नहीं कर सकता, लेकिन सच्चे दिल से कोई कुछ चाहे तो उसे मिल जाता है। मेरा फैसला नहीं बदलेगा। ऐसा इसलिए ना क्योंकि कई साल से आप इस बाइक में अपने बेटे को देखते आ रहे हैं। हाँ बोल। अरे राजा, उस बाइक का क्या हुआ? कल ही तो बाइक मिली है और मैंने उनसे मांगी भी, लेकिन बिना सोचे समझे उन लोगों ने मेरी बहुत धुलाई की यार। जब मैंने उन्हें अपनी सिचुएशन बताकर कन्विंस करने की कोशिश की तब भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो बस एक ही ऑप्शन है, बाइक की चोरी। कैसे करेगा? अरे कैसे मतलब क्या कैसे, तेरे दिमाग में ऐसे बकवास सवाल आते कहां से है रे? तुझे सब कुछ डिटेल में समझाना होगा क्या? अच्छा सुन, जब राजन अपने घर से रोज मंदिर जाता है ना तो वो ये चेक भी नहीं करता कि बाइक से चाबी निकाली है या नहीं, और उसी टाइम पर मौके पर चौका मारना है। बाइक चुराने का वही सही टाइम रहेगा। अब दिमाग खाना बंद कर और फोन रख, फोन दूर रहेगा। अरे आदमी हूँ, औरत नहीं, गोद में उठा दे मुझे। कंधे पे आएगा तो गोद में ही लूंगा ना। गुड़ कहीं का। हमारे छतरी गैंग, जब तक वो फटफटी राजन के पास है हम कुछ नहीं कर सकते। पहले फटफटी लेकर आओ, फिर हम प्लान बनाएंगे फटाफट। हाँ कुछ भी हो जाए राजदूत तो आज चुरा कर ही रहूंगा। नहीं मिली तो तूने उसे चोरी करवा दिया। मैंने कुछ नहीं किया है। राजन भाई यही है जिसने आपकी बाइक चुराई है। ए, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने नहीं चुराई बाइक। कल यही मेरे सामने चोरी करने का प्लान बना रहा था, अभी आपके सामने झूठ बोल रहा है, इसी ने आपकी बाइक चोरी की है। कहाँ है मेरी बाइक? ए, ये तुम लोग क्या कह रहे हो? राजन जी, मैंने बाइक चुराई होती तो मैं भी बाइक के साथ भाग जाता ना। जरा सोच कर देखिए, वैसे भी इस गाँव में कोई मेरी हेल्प करके आपसे पंगा क्यों लेना चाहेगा? कौन थे और कितने लोग थे? वो लोग दो आदमी थे और उनके हाथ में छाता था। चाहिए अच्छे से नहला दे, फटफटी के साथ साथ राजन की आत्मा भी जलकर स्वाहा हो जानी चाहिए। अरे बढ़िया से डाल।
इसमें तो बहुत दम है भाई, आता है कूटता है और निकल लेता है। हम उस बाइक को अपनी जान पर खेल कर लाए थे और तेरी वजह से सब गड़बड़ हो गया। अरे पिल्लू, तू कहा है हमारे आदमी लोगों को धोया रे? हमरे प्लान के ऊपर पानी फेर दिया। हाँ बचवा, तेरी वजह से राजन हमारे हाथ से बचकर निकल गया। अब तू हमको बता, तुझको बचाने कौन आएगा? ये कमीना इधर मेला देखने आया है। ए लाजा, ये चड्डी वाला कौन? तेरा काम पूरा हुआ कि नहीं भाई? इतनी मुंदी कहाँ है? अले अले भाई, टेबल पे खला है क्या? नीचे उतर। हाँ तो ए, तू हाईवे पे अकेला थोल के चला गया? इतनी गंदी शक्ल वाला आदमी ये तेरी जान बचाएगा? ये चूहा क्या मेरी जान बचाएगा? फिर ये किसकी जान बचाने आया है? वैसे यहाँ क्यों आया है तू? ऐसे बोल रहा है जैसे उधार मांगने आया हूँ। आपके लिए आया हूँ। मेरे लिए आया हो? हाँ। मेरे को मालेगा तो नहीं? देख लिया ना, ये यहाँ आपके लिए आया है। वैसे आपको पता है कि आपके पिताजी रोज शहर जाया करते थे? हाँ, अभी हमको याद आया, वो एक बार हमको शहर में मिले थे और हम लोग साथ में चाय पिए थे, हमको शक भी हुआ था। मतलब मेरे पिता ने? क्या क्या? तुम्हारे पिता क्या? राजा, मैं बोल रहा हूँ कि तू तो उस समय मैन्युफैक्चर भी नहीं हुआ था, तुझे क्या याद है? ओह, ये तो दादा है। अरे इस तरह घूर क्यों रहे हो? अभी तक तुम पहचान नहीं पाए कि ये कौन है? कौन है ये? भाई भाई भाई, किसका भाई? अरे तू बकासुल, मैं बेकसुल, हम दोनों भाई कैसे हो सकते? भाई, भाई भाई। हाथ में आज। अरे यही तो है वो। हा? कल रात तुम्हारे पिताजी ने मुझे सपने में ये बात बोली थी। क्या पहना था? हे भगवान, कम से कम अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि वो स्टैचू क्यों टूटा। क्योंकि राजन ने ठोका था। भेजा है कि नहीं इसको? अरे तुम्हारी खोपड़ी में बात घुस क्यों नहीं रही है? जब उन्होंने ये देखा कि तुम उनके दूर के बेटे को इग्नोर कर रहे हो तो उनका दिल टूट गया। उनका दिल टूट गया तो क्या हुआ? राजा नाकर स्टैचू तोड़ देंगे? हाँ तो उनके स्टैचू में भी तो उनका दिल था ना, और जब दिल टूटेगा तो स्टैचू भी तो टूटेगा ही ना। ओ खैर, अब उस स्टैचू की आत्मा इसमें बसती है। ये बात है, अगर तुम लोग इसका ख्याल रखोगे ना, समझ लेना पिताजी का भी ख्याल रखोगे। चल भाई, तेरी चांदी हो गई। अले रुक भाई, अले चांदी सोना बाद में, पहले बता मेरे को। अले तुम लोगों का छोटा क्यों है दिमाग? अले दिमाग बोला, दिमाग। कमाल है, राजदूत तो मेरी ही थी, लेकिन राजन अपनी जान जोखिम में डालकर उस बाइक के लिए लड़ रहा था, और मैंने वो बाइक अपने साथ ले जाने की बजाय भला राजन को क्यों सौंप दी? ये तो वैसा ही है कि टेस्ट के लिए चिकन बिरयानी मंगवाओ और मुर्गी के प्यार में पड़ के वो चिकन बिरयानी छोड़ दो। तुम लाजवाब हो भाई, तुम्हारी वजह से बाइक वापस आ गई। तुम क्या जानो प्रदीप बाबू, बाइक तो एक है लेकिन कस्टमर्स दो हैं, पता नहीं और कितना लंबा इम्तिहान है। हे भगवान, मुझ पर ही इतनी कृपा क्यों बरसा रहे हो? यू आर ग्रेट। अले क्या मेरे को उधर फंसा के गया? मणि आजा आजा। मैं तो कहता हूँ तुम्हारे जैसा दोस्त किसी को ना मिले। मणि, कभी तूने सोचा है कि तू इस दुनिया में क्यों आया है? तू मेरे लिए आया है। बस तू अब मेरे को मटका मारना बंद कर, मेरे पास मेले अलावा और कुछ नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन तूने उनसे पीछा छुड़ाया कैसे? अले गांव वाले चर्चा कर रहे थे कि राजन ने किसी के साथ झगड़ा किया, उस झगड़े में ऐसे फाइटिंग। हमेशा तू बात का बतंगड़ क्यों बनाता रहता है यार? यही वजह है कि तू हमेशा कॉलेज में लड़कियों के सैंडल से पिटता रहता था। देख, 100 बात की एक बात, मुद्दे की बात किया कर। अब बता कि तू वहां से भागा कैसे? तुम्हें कैसे यकीन है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ? पिताजी उस लड़के के सपने में आके कहे थे। वो अगर तेलाल मेला बाप था तो हमारे सपने में आना चाहिए था, किसी और के सपने में क्यों आया? चाचा ये क्या कह रहा है? तुम्हारे पिताजी की दाई जांग पर एक इतना बड़ा तेल था, इसकी जांग पर है क्या? इसकी पैंट अभी उतारो। तो फिर देखा क्या तूने भी उसका तेल? अले भाई, किसी नॉर्मल इंसान का जांग है ना, घुटने से शुरू होके कमल पे खत्म होता है, लेकिन वो हिप्पोपोटामस का मेले सल से घुटना शुरू होता है। पता नहीं कलयुग में बकासुल किधर से आया। अले भाई तू बता, तूने उधर वो कहानी शुरू क्यों की? राजन के सामने तो ये छत्री गैंग चीटी है, क्या कर लेंगे वो? ठीक है ठीक है, तू बात कर। तेला ये जो थाली पला है मैं खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी। बेल। भैया बेल। कितना हुआ भाई? सिर्फ 5,000। सेठ को बोल मैं बलतल धोने को तैयार हूँ। हेलो दादाजी, कोमा से बाहर आ गए हैं।
उन्हें एक घंटा अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। तुम्हें जल्दी आना होगा राजा। ये राजा राजदूत लेकर पहुंच जाएगा। ए लुक भाई, अले लुक, मैं आ रहा हूं। आधी रात को राजन के घर पे जाना जरूरी है क्या? ए, आज तक मैंने प्रिया की हर बात पूरी की है, आज भी करूंगा चाहे जो हो जाए। एक बार फिर से सोच ले। ए, अब सोचना समझना खत्म, अब तो सीधा शो टाइम। तू यहीं पे खड़ा रहे, मैं बाइक लेके आता हूं। हाँ ठीक है। है, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, दूसरी एम्बुलेंस आने में भी समय लगेगा। आपको जाना कहाँ पर है? एक्चुअली उस गांव में राजन नाम का एक आदमी रहता है, उन्हें 10 मिनट पहले हार्ट अटैक आया है। राजन, मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है, प्लीज हेल्प करो। ठीक है, आप बैठिए। 1 मिनट प्लीज। ए, तू यहीं पर वेट करना, मैं उन्हें छोड़ के वापस आता हूँ। हाँ ठीक है, तू ख्याल रखना। चलिए सर। ओके सर, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर हेल्प। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो यह नामुमकिन है। सर, आपके पापा को हार्ट अटैक आया है, जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हेलो, बोलो राजा। कुछ नहीं पापा। पता नहीं राजन अंकल कैसे होंगे। तू इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? जिस बाइक के लिए मल रहा था उसे भी छोड़ दिया। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था यार। अब आगे क्या करना है तू ही बोल। जिस आदमी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो हमेशा जीतता है, लेकिन जिसे जीतने की उम्मीद नहीं होती उसे कभी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन भाई तूने प्रिया से वादा किया है ना? जो वादा मैंने प्रिया से किया था वो मेरे दिमाग में नहीं है। अब मुझे उस बुजुर्ग आदमी की चिंता हो रही है। जब हमारा अपना बिछड़ कर जाता है तो उसकी हमें हमेशा याद सताती रहती है। वही हाल प्रिया के दादा का राजदूत के लिए हो रहा होगा। अगर ये बाइक राजन अंकल से चुरा कर हमने उन्हें दे भी दी तो हम विनर नहीं लूजर ही कहलाएंगे। जाने दो। क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है प्रवीण। अरे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, चलो। तुमने मेरे पापा को बताया नहीं और मुझे भगा के लेके जा रहे हो, ये तो गलत है ना? तुम्हारे बाप को बताएंगे तो मानेंगे क्या? भागकर शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उसके बाद वो कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। चलो। ए, कौन चाहिए तुझे, मैं या तेरा बाप? आस्क मी।
भाई तू यहाँ है? देखना ये भागने से फुकट में डर रही है। प्यार करता है तो इसके पेरेंट्स को मनाने की ताकत भी रख, लेकिन तू एक ही रातों रात इसको बहला फुसला कर ले जा रहा है, कैसा लवर है रे तू? और ये बता, बाप और बेटी के बीच तू क्यों दीवार बन रहा है? एक पिता अपनी बेटी के लिए हीरो होता है, कभी लड़की का बाप बनेगा ना तब तुझे पता चलेगा। तुम्हारे पापा अस्पताल में एडमिट हैं। जिसको उतरना आ गया जाओ। अरे फिर से इस गांव में क्यों लेकर आया? ये मत कहो जा रहा हूं, ये कहो कि वापस आऊंगा। मैं क्यों लौट कर आऊंगा? दरवाजा खटखटाया क्यों नहीं? उस दिन वाली हरकत पर मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आखिर बात क्या है? मैं उस दिन राजदूत के लिए आया था, लेकिन आज यहां किसी की जिंदगी के लिए आया हूं। मेरे भाई को कुछ हुआ क्या? कहीं हमारे पिताजी को? किसी का सच्चा प्यार खो जाने के बाद ही उसे उस इंसान की अहमियत पता चलती है, लेकिन अगर हम उन्हें वो विश्वास वापस दिला सके तो उन्हें उससे ज्यादा खुशी शायद कभी नहीं मिलेगी। राजदूत लेकर जाने से ये बेहतर होगा अगर उनके बेटे उनके सामने एक साथ जाकर खड़े हो जाएं। अपने पिता की अंतिम इच्छा तो पूरी कीजिए। जब तुम पहली बार आए थे तभी तुमसे बात करना चाहता था, अगर तुमने एक बार भी कहा होता तो मैं तुम्हारे साथ चलता, लेकिन अब भी देर नहीं हुई, चलो। मैं पिताजी के पास जा रहा हूं। हे, ये राजदूत यहां कैसे आ गई? कौन लाया होगा इसे? सर, आप यहां कैसे? जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मेरे प्यार का अंत कुछ इस तरह से होगा। इस बाइक से दो जिंदगी जुड़ी हुई है, एक आपका और दूसरे उस बुजुर्ग का जिसके लिए मैं यहां आया था। मैं ये बाइक आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। मुझे नहीं पता वो बुजुर्ग आदमी जब कोमा से बाहर आएगा तो उसकी किस्मत में वो राजदूत देखना नसीब होगा या नहीं, और मैं जैसे ही ये राजदूत बाइक लेकर भागा वैसे ही आपको हार्ट अटैक आ गया, इसलिए मैं ये बाइक वापस रखकर जा रहा हूं। आप इस बाइक की हिफाजत इसलिए करते हैं क्योंकि इस राजदूत बाइक में आपको अपना बेटा नजर आता है। जिस दिन उसने इस बाइक को आग से बचाया था तभी मैं समझ गया कि उसे इस बाइक की कितनी जरूरत है। अगले दिन उसे बाइक देने के बारे में सोच ही रहा था कि देखो मेरे साथ ये हो गया। ये जो मुझे दिल का दौरा पड़ा है बाइक के हादसे की वजह से नहीं पड़ा है, तुम्हारी बहन बिन बताए भाग गई थी इसलिए ऐसा हुआ था। तुम्हें पता है ना कि मैं उस बाइक से कितना प्यार करता हूं बेटा, उस बाइक में मैं तुम्हें देखता हूं। जिस दिन से तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया था उस दिन से मैं बाइक से बात करने लगा। सॉरी डैड। अब जब मेरा बेटा मेरे पास वापस आ गया है तो मुझे उस बाइक की क्या जरूरत? तुम उस राजा की वजह से मेरे पास लौट कर आए हो। मेरी बेटी को उसने सही रास्ता दिखाया। मैं राजा के लिए कुछ करना चाहता हूँ बेटा, आज से राजा की राजदूत। And now this is yours. Good luck. आराम से पिताजी। अरे यार, मेरे पापा यहां क्या कर रहे हैं? कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूं भाई। भाई, ए, ये मेरे पापा को भाई क्यों बोल रहे हैं यार? कैसा है रे छोटे? मेरा बेटा। पहली बार स्टोरी समझ में नहीं आई।
चाइनीज कलेक्टर देख के भी हम इतना कंफ्यूज कभी नहीं हुए। आपका पोता है ना, भाई का बड़ा बेटा राजा। पोता? आज मेरे साथ साथ आपकी 10 साल पुरानी बाइक भी आई है। बाप ले, तेला तू तक तूतिया हो गया। क्या बोला तू, जरा वापस बोल। उस दिन तूने ही बोला था ना कि वो मेरे अंकल है, मतलब तू सारी बातें पहले से ही जानता था। मैंने तो ऐसे ही बैग घुमा दिया था, मेरे को क्या मालूम कि वो नो बोलोगा, उस पर सिक्स लगेगा। और तुम कैसे प्लेयर हो, अपनी क्रिकेट टीम के बारे में पता ही नहीं है। भाई दुनिया डाली बाद में, पहले फैमिली को तो जान ले। अरे मुझे कितनों को सिखाना पड़ेगा। ज्यादा बोल दिया। लक्ष्मी लक्ष्मी, मेरा पोता कितना कितना बड़ा हो गया रे तू। हाँ दादाजी। तो तू इसे ढूंढ लाया रे लक्ष्मी, तेरा पोता तुझे ले आया लक्ष्मी। मेरे पोते अले, तेला ससुर आ गया। उन्हीं का इंतजार था। हाँ। कहाँ है वो? वो देख, वो आखिर कर क्या रहा है? ससुर जी, हाँ? आपने तो मुझे गधा बना दिया। वो तो तुम पहले से ही हो। हाँ? अगर मैं तुम्हें तुम्हारे गांव नहीं भेजता तो ये मुमकिन नहीं होता है ना। बिल्कुल, क्रेडिट तो इसे जाता है, मिशन का असली हीरो तो ये है। थैंक यू सर। आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी हो गई ना ससुर जी, तो हमारे रिश्ते में कंडीशंस अप्लाई कीजिए ना। मैंने अपने फादर की बाइक लाने को कहा था और तुम बाइक लेके आए अपने दादाजी की। तुमने अपनी बिछड़ी फैमिली को तो मिला लिया, लेकिन प्रिया के लिए क्या किया तुमने? टर्म्स एंड कंडीशंस देने से अच्छा तो मुझे गोली मार। ओ रियली? ये तो एक सच्चे लवर के साथ पूरी तरह से अन्याय हो रहा है। तुम्हें अन्याय नजर आता है? हाँ तो और क्या। तो फिर मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। हाँ। बहुत वक्त पहले मेरे फादर की प्रीमियर पद्मनी कार उनके गांव में हुआ करती थी। हाँ। जब उन्हें पैसे की जरूरत पड़ी तो उन्होंने उस कार को बेच दिया। हाँ। तुम वो कार वापस ले आओ और मेरी बेटी को लेकर जाओ। लगता है ये पुरानी गाड़ी का दलाल है, तेला इस्तेमाल कर यार तू भी। क्या बोल रहे हो? बहुत अच्छी गाड़ी थी, मेरी फेवरेट है। आप जानना चाहेंगे इसे क्या कहते हैं? पागलपन। पागल ससुर जी मेरी किस्मत में लिखे हैं। कोई शक है? चलो हनीमून मनाते हैं। हे हे, कहाँ ले जा रहे? अरे हेलो। ए अंकल अंकल, उन दोनों को दाने दो, दो चार बच्चे के साथ लौट आएंगे। पुरानी गाड़ी ढूंढने मैं जाता हूँ, आप उसको आज के बाद टास्क मत देना अंकल। ऐसा क्यों? अरे सिंपल है, मेरी जिंदगी फिर से खराब हो जाएगी उसके साथ जाऊंगा तो। दूसरों की भलाई बहुत की, अब खुद की करनी है। शादी कल के तुम सबको बाय बोल दूंगा। हे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? अले गर्लफ्रेंड होती तो दोस्त को बाइक पे बिठाता। मैं तो अलेंज बैलेंज करने वाला हूँ, खड्डे में जाए लव। ओहो, ऐसा क्यों? उसके दो वजह है। तो बताओ। पहली वजह, सना प्लीज मना मत करो, तुम्हारे लिए मैं आसाम का चाय का बगान भी भेज दूंगा। पहली वजह यही है देखा। दूसरी वजह, मम्मी को घरेलू लड़की चाहिए। लव मैरिज में प्रॉब्लम ये है, लड़की माँ से काम करवाती है। अलेंज मैरिज में क्या होता है, सास के पैर बहुत दबाती है। आई वॉन्ट दैट रिस्पेक्ट। यू वॉन्ट दैट रिस्पेक्ट? आओ मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दिलाता। मेरे बेटे के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी तुम उससे अपनी बेटी की शादी कराना चाहते हो? मैं उसके बारे में सब कुछ पहले से जानता था, इसलिए तो उसे अपनी बेटी सौंप दी मैंने। ऐसा है क्या? या किसी इंसान पर कितना विश्वास किया जा सकता है, ये तब समझ में आएगा जब तुम उसे करने के लिए कोई काम दोगे। जो भी हो, शादी के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती, जरूरी है जिम्मेदारी समझना, और वो समझ उसमें है। मुझे उससे ज्यादा करेक्ट और परफेक्ट फेलो आसानी से नहीं मिलता। फिर तैयारी करते। ऑल द बेस्ट टू यू टू।